हेलो गाइस वेलकम टू स्टडी आई क्यूँ सो विल स्टार्ट इन अ मिनट अगेन ठीक है मीन वाइल अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा देन जस्ट लेट मी नो ओके एंड डाउट के पहले ओके सो दिस इज समथिंग नाउ आई गेस क्वाइट कॉमन जो पीपीटी है मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड करवा दी है कैन गेट दीपी टी एट चैनल बताया था का एनसीआर का तो चैप्टर वाइज तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मतलब जब हमारे लेक्चर सारे खत्म हो जाएंगे रफली ट्वेंटी तो उसके बाद मैं आपको एक सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव पेजेज़ का भी दूंगा बट इट है उसके अलावा जो पीवाई क्योंकि मैंने पहले भी बात की थी तो पीवाई के ऊपर ठीक है तो उसका भी वीडियो मैंने ये जो है चैनल के ऊपर अपलोड करवा दिया है सो यू कैन गेट द एक्सेस ओवर देयर ठीक है एंड मीन अगर आपके पास कोई डाउट रहेगा देन जस्ट टाइप इट आउट एंड लेट वेट फॉर अ मिनट फॉर द अदर पीपल टू जॉइन इन एंड आफ्टर विल स्टार्ट सो आज वी आर गोइंग टू सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द तो मौर्यंस का जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज विल स्टार्ट विद सोसाइटी Thereafter we will go on to the economy and thereafter we'll go on to the art and culture. This policy of Dhamma Ashokan rock addict, Ashokan pillar addict, and thereafter certain other aspect of the art and culture of the Mauryans. So I hope it is clear. Let other people also join in ko any doubt from the previous lecture. Then you can ask me that. Okay, guys. Hmm. Yes, good evening. Good evening to you all. एक दो मिनट में चालू करेंगे ओके मीन वाइल अगेन ओके पीपीटी एंड द क्रक्स मटेरियल हैज़ ऑलरेडी अपलोडेड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट देन यू कैन हैव एक्सेस टू इट फ्रॉम द चैनल ओके चलो आई गेस एवरीथिंग इज फाइन सो वी आर गुड टू गो तो विल स्टार्ट सो टिल नाउ हम लोगों ने यही देखा है इन अवर लास्ट लेक्चर कि हाउ मौर्यन पॉलिटी वॉज एग्जैक्टली डेवलप्ड तो मौर्यन वॉज बेसिकली द फर्स्ट डायनेस्टी हु कुड रूल द एंटायर इंडिया हमने देखा था लास्ट लेक्चर में स्टार्टिंग फ्रॉम अफगानिस्तान से लेके ऑलमोस्ट अप टू कृष्णा रिवर ये सारा का सारा जो टेरिटरी था दैट वॉज ऑफ द मौर्यन टेरेटरी वी सीन इवोल्यूशन सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्या वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग दर आर्यवन उसके बाद में वी है बिंदुसारा बिंदुसारा से रिलेटेड स्टोरी भी वी है बिंदुसारा वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग पेनिस्लर इंडिया और लैंड इन बिटवीन टू सीज

in order to rule this territory so how is the central administration central administration mein how is exactly kings and kings functioning thereafter mantri parishad

यूपीएससी में आई डोंट थिंक सो दे वे लास्ट इट बट स्टेट पीसीएस में अगर आप जाओगे या फिर कोई दूसरा यू का एग्जाम है अपार्ट फ्रॉम सीएससी तो वहां पे आपको पूछ सकते कि भाई कौन से प्रोविंसेस थे या फिर कौन से प्रोविंसेस की कौन सी कैपिटल थी सो so दे हैड उत्तर पथ उत्तर पथ मतलब गांधारा वाला एरिया द कैपिटल वॉज बेसिकली तक्षशिला देर आफ्टर अवंती प्रस्थ अवंती हमने देखा था एनशियट टाइम पर एक महाजनपद भी था एंड अवंती प्रस्थ तो अवंती का जो एक्चुअल कैपिटल था उज्जैन सो so अवंती बिकेम चक्र और बेसिकली

को कलिंगा भी बोला जाता दक्षिण पथ तो दक्षिण पथ में सुवर्णगिरी सुवर्णगिरी मॉडर्न डे कर्नाटका में आता है तो दिस इज समू दोविन्शियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्य गो टू द मौर्यन सोसायटी ओके अगेन मौरियन सोसाइटी में एक थोड़ी सी बहुत बेस जो होता है वो आपको पता होना चाहिए नाउ यू कंसीडर मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी है वो वैदिक रिलीजन को फॉलो करने वाली सोसाइटी है नॉर्थ इंडिया में राइट ऋग्वैदिक पीरियड लेटर वैदिक पीरियड देयर आफ्टर महाजनपदा पीरियड यहाँ पे वैदिक रिलीजन या फिर आर्यन रिलीजन है उसने अपने आप को असर्ट किया

तो भले ही लोगों ने यह को फॉलो करना चालू कर लिया बट द द बेसिक ट्राइड्स ऑफ पीपल जो है वो भ्राह्मी निकल ही रहे यू कैन नॉट टेक अ रिलीजन आउट ऑफ द पीपल राइट जैसे कि आज आज आप के इंडिया की अगर बात करोगे तो यू कैन क्लियरली सी इट सो इवन दो पर्सन इज कन्वर्टेड टू फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टैनिटी और फॉर एग्जाम्पल इन द इस्लामिक रिलीजन फिर भी हिंदू रिलीजन के बहुत सारे एस्पेक्ट वो अपने अपने रिलीजन में लेके गए जैसे यू कैन कंसिडर फायर वर्शिप तो आपको इस्लामिक में मिलेगी नहीं, बट फिर भी दरगाह पे जाओगे तो वहां पे धूप जलाई हुई रखी होगी अगरबत्ती जलाई हुई रखी होगी वैसी फायर वर्शिप क्रिश्चियनिटी में भी नहीं मिलेगी बट इंडिया के चर्चेस में जाओगे तो आपको मोमबत्ती मिलेगी राइट जैसे दिया है वो आपको मिलेगा इन फ्रंट ऑफ जीजस क्राइस्ट तो लोग जो है भली अपना रिलीजन कन्वर्ट कर ले जो अर्स्ट वाइल रिलीजन है जो ओरिजिनल रिलीजन है उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहती है तो दैट्स वाई इवन दो ओके मोरियन टाइम पे किंग वॉज बेसिकली द सपोर्टर ऑफ द हेट्रोडॉक्स सेक्ट वी कैन इवन कंसिडर की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ये हेट्रोडॉक्स सेक्ट दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की फॉलोअर ही रही होगी बट फिर भी सोसाइटी में ब्राह्म्यनिकल प्रैक्टिसज जो है वो बाय एंड लार्ज कंटिन्यू रही और इसका एविडेंसेस हम लोगों को मिलता है नॉट ओनली फ्रॉम चाणक्य बट आल्सो फ्रॉम द इंडिकाज मेगास्थेनिस तो इंडिकाज मेगास्थेनिस एज वेल एज चाणक्य ये दो इम्पोर्टेंट सोर्सेस है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अशोकन इंस्क्रिप्शन तो ये तीन इंपॉर्टेंट सोर्सेस हमारे पास है ऑफ द मौरियन पीरियड ऑफ टाइम और ये तीनों हम लोगों को सेम इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बाय लाल जो ब्राह्मिनिकल ऑर्डर जो है वो ब्राह्मिनिकल ऑर्डर जो है वो सोसाइटी में कंटिन्यू रहा डिस्पाइट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म गेनिंग इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी तो यही मैंने आपको थोड़ा सा एक प्रोसेस ब्रीफ में समझाया बाय कंपेयरिंग दैट सोसाइटी टू द टूडेज सोसाइटी तो रिलीजियस एस्पेक्ट जो वो आप उस बंदे के बाहर या फिर उससे आप उसको नहीं छीन सकते राइट right? देर फिर वर्णाश्रम धर्म जो है वो भी सोसाइटी में प्रेजेंट था बट अगेन वर्णाश्रम धर्म जो है वो एकदम रिजिड नहीं था इट वॉज स्टिल फ्लेक्सीबल तो हमने देखा था कि वर्ण सिस्टम इंडिया में एग्जैक्टली exactly चालू कब हुई तो वर्ण सिस्टम चालू हो गई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड टेंथ बुक जो है दैट इज टेंथ मंडला में पुरुष सुक्ता हाइम इज देयर तो दिस पुरुष सुक्ता हाइम इज द अर्लीस्ट इंस्टेंस ऑफ द यू कैन से दैट वर्ण सिस्टम फिर लेटर वैदिक पीरियड में भी ये वर्ण सिस्टम कंटिन्यू चली लेटर वैदिक पीरियड में

वर्णा सिस्टम रिजिड करने का जो क्रेडिट है ये जाता है बेसिकली को इन इंडिया, तो जब सात में जाएंगे तब देखेंगे king, okay, Putra, तो Putra, वर्ना मतलब रिजिडिटी ऑफ द वर्न सिस्टम यहाँ तक दैट इज मौर्यन सिस्टम तक तो हम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी के ही एविडेंसेस मिले हैं एंड फ्लेक्सिबिलिटी में हम लोगों का वर्णाश्रम धर्म की जो बात है वो बहुत ज्यादा दिखाई दी है तो इट इज नॉट ओनली वर्ण बट इट इज वर्ण आश्रम धर्म तो वर्ण आश्रम एंड धर्म का ये बेसिकली है कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है तो अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर आपने देखोगे ब्रह्मचार्य देर आफ्टर गृहस्थी देर आफ्टर वन प्रस्थ एंड सन्यासी तो ये है बेसिकली आपके फोर स्टेजेस ऑफ आश्रम फिर आपका वर्ण मतलब कोई भी वर्ण से बिलोंग करो देन वर्ण में आपका एक ड्यूटी होता है जैसे इफ क्षत्रिय then your duty is to protect if you are brahmana then your duty is to gain knowledge and give that knowledge to society if you are vaishya then you are basically uh, profession ya fir dharma jo hai aapka wo kya rahega to produce for the society and if you are shudra then you have to serve the upper three varna ye ban gaya aapka dharma to aapko varna ashram and after आफ्टर धर्म ये जो तीनों चीज़ें हैं ये फॉलो करनी है सोसाइटी में एंड दैट वाज कंसीडर्ड एज आइडियल आप इसको आज भी कंपेयर कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल आपको विथ इन कास्ट मैरिज करना चाहिए कर कर right? तो यही चीज जो है, वो यहाँ पे हम लोगों को देती है कि वर्णा के कुछ रूल थे आश्रम कुछ रूल थे जिनको कंबाइनली बोला वर्णाश्रम धर्म हाउएवर इट वॉज नॉट एनफोर्सेबल ऑन द सोसाइटी हम लोगों को ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जहाँ पे लोगों ने आश्रम सिस्टम फॉलो नहीं की है या फिर जहाँ पे लोगों ने जो है वो वर्णा सिस्टम फॉलो नहीं की है तो वर्ण आश्रम जो है ये बेसिकली दो पीरियड अर्ली वैदिक पीरियड से ही चले आ रहे वो बढ़ने लग गया था बट एनफोर्सिएबल नहीं थे ये रिजिड नहीं थे दे वे फ्लेक्सीबल इट मीन दैट पीपल स्टिल चॉइस टू टेक डिसीजन तो वर्णाश्रम धर्म सिस्टम जो है डेवलप्ड होना चालू हो गई थी देर आफ्टर फिर इंफॉर्मेशन देखते रिलेटेड टू द सोसाइटी तो सबसे पहले मेगास्थिनिस ने हम लोगों को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखी है तो इज सेइंग कि एंशियंट इंडिया में ओके देर सेवन कास्ट तो सेवन कास्ट की उसने बात की है ये जो सेवन कास्ट है फॉर द पर्पस ऑफ द आर इंपॉर्टेंट और ये हायर आर्यल मैनर में है मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स एंड सेवन ये रैंक है इसका तो फिलोसॉफर इज एट द फर्स्ट रैंक कल्टिवेटर इज एट द सेकेंड रैंक हंटर एंड हर्डमन इज एट द थर्ड रैंक देर आफ्टर आर्टिजन एंड ट्रेडर है वो फोर्थ रैंक पे है आपके काउंसिलर एंड एस एसर मतलब राजा के लिए काम करने वाले लोग तो बेसिकली जो सेवन कास्ट जो है मेगास्थिनिक्स ने हम लोगों को दे के रखे है ये हम लोग बेसिकली अब सही नहीं मानते हैं बिकॉज वी डो नो फॉर श्योर की ऐसा कोई सिस्टम सोसाइटी में नहीं रहा होगा बट वी डो नॉट नो एक्जैक्टली फॉर वॉट पर्पज मेगास्थिनिक्स ने ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें देखे रखी है Further, कि भाई इंडिया में स्लेवरी नहीं थी बट अभी स्लेवरी के बहुत सारे एविडेंसेस हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं स्लेव्स आर जैसे आचार्य चाणक्य उन्होंने स्लेवरी के रूल दिए थे देर आफ्टर आचार्य चाणक्य ने खुद विषकन्या हु आर नथिंग बट द स्लेव ऑफ द आचार्य चाणक्य उनको मेंटेन करके रखा था तो स्लेवरी वाज देयर बट मेगास्थेनिस इज टेलिंग कि भाई एंशंट इंडिया में स्लेवरी नहीं है ये इसलिए हो सकता है बिकॉज प्रोबेबली इंडिया का जो स्लेवरी है वो लीनियन स्लेवरी है वो वेस्टर्न स्लेवरी जैसा रिजिड नहीं है जहाँ पे उनको एकदम ही मैल ट्रीटमेंट दी जाती है ओके एंड आफ्टर इन जनरल मेकिंग बेसिकली आइडियलाइज सोसाइटी ऑफ द इंडिया सो ही इंडियंस का जो मोरल कैरेक्टर है वो काफी हाई है तो दिस इज एन अटेमस्थिन किया था टू पोर्ट्री दैट इंडियन सोसाइटी इज एन आइडियल सोसाइटी तो इसके पीछे दो रीजन हिस्टोरियंस मानते ही हो सकता है एक तो सबसे पहले ही वॉन्टेड टू तो शो द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया ओके आफ्टर सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग जो है चंद्रगुप्त मौर्य और समर बिग कोर्टियर तो राइट स्पेसिफिक बुक तो असली इंफॉर्मेशन ना देते हुए उसने थोड़ी बहुत गलत इंफॉर्मेशन हम लोगों को पास ऑन किया है बट दिस इज भी बताया था किसी ने भी बुक लिख लिया और इसमें पढ़ा हुआ अगर आप सही मान रहे हो तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम हिस्टोरियन जो है उससे कुछ कंक्लूजन डिराइव करेंगे कि भाई ऐसा सही में था कि नहीं था और अब हम मानते कि ये वर्जन सही नहीं है अब इसके पीछे के जो दो रीज़न हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया कि एक तो उसका पर्सनल बयास हो सकता है या फिर पैट्रोनाइजेशन दैट इज पैसा हो सकता है बट दिस इज समथिंग दैट वी कैन क्लियरली सी इंडिया में एस सच ऐसा जैसा था ही नहीं हाई मोरल कैरेक्टर की बात ही नहीं आती हम लोगों में पोजिशन ऑफ द वुमन अब लो हो चुकी थी वॉयलेंस वॉज द ऑर्डिनरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी अशोका के धम्मा में जाएंगे तब देखेंगे कि धम्मा में अशोका ने बार-बार लोगों को विनती की है रिक्वेस्ट की है कि टॉलरेंस रखो वॉयलेंस छोड़ दो देयर आफ्टर वी हैव आल्सो गॉट टू नो अबाउट द सर्टेन मैल प्रैक्टिसेस दैट स्टेट इटसेल्फ इज कैरिंग आउट जैसे फोर्स लेबर विष्टि एंड विष्टि को मैनेज करने के लिए विष्टि वंदक का स्टेट ने मेंटेन रखा था आचार्य चाणक्य की एक ट्राइबल पॉलिसी भी थी जिसमें उसने स्टेट को बता के रखा था कि ये ट्राइबल सोसाइटी को ब्रेक डाउन करो एंड उनको एग्रीकल्चर में लेके आओ तो हाई कैरेक्टर, हाई मोरल कैरेक्टर ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है एंड सिमिलरली एज फार एज स्लेवरी स्लेवरी में तो चाणक्य ने प्रॉपर रूल ही दे के रखे हैं एंड नाइन डिफरेंट टाइप के स्लेव्स के बारे में भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे के रखी है सो दिस इज समथिंग कि ये सही नहीं मानते बट फॉर द एग्जाम परपज आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए बिकॉज मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यूपीएससी विल भी स्पेसिफिक कि भाई सोसाइटी के बारे में मैगेस्थिनिस्ट का क्या कहना है या फिर सोसाइटी के बारे में अर्थशास्त्र का क्या कहना है तो आपको सोर्स पता होने चाहिए एंड सोर्स के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है वही पता होनी चाहिए फॉर जीएस परपज ऑप्शनल में इसके ऊपर बहुत सारी अलग थियरीज है बट दैट इज फॉर ऑप्शनल ओके जीएस के लिए इतना ही याद रखो thereafter we are having Kautilya's version then Kautilya ने भी हम लोगों को बहुत सारी information दे के रखी है so for the first time we can clearly see society में Kautilya ने बताया कि shudra and thereafter slave ये दोनों को state को agriculture में employment देनी चाहिए और एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट क्यों देनी चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली रिसोर्सेस बढ़ेंगे बहुत ही प्लेन सिंपल बेस है जितना ज्यादा एग्रीकल्चर उतना ज्यादा फूड उतना ज्यादा दूसरे लोग जो है वो एग्रीकल्चर से नॉन डिपेंडेंट रहेंगे सो दैट दे कैन फोकस अपॉन अदर प्रोफेशन एंड मोर रिसोर्सेज दे कैन ब्रिंग फॉर द स्टेट

और ये शूद्रा का स्टेटस सोसाइटी में बढ़ने लग गया इसके पीछे का मेन रीज़न वही है कि दिस ऑल पीपल आर वैदिक पीपल वैदिक सिविलाइजेशन इज आउटसाइड सिविलाइजेशन इन इंडिया तो जब ये बाहर से इंडिया में आए तो इनिशियल लेवल पे शूद्रा की पॉपुलेशन जो थी वो कम थी और इनका नॉन आर्यन लोगों से कांटेक्ट भी कम था बट बाय दिस स्पेसिफिक टाइम इन्होंने पूरा इंडिया कैप्चर कर लिया अब जब ये इंडिया कैप्चर करना चालू करेंगे तो दो चीजें इन्होंने इन्वेंट कर ली सबसे पहले तो ऑब्वियसली आर्यन सोसाइटी एंड नॉन आर्यन सोसाइटी ये डिफरेंट हो गई ओके तो आर्यन सोसाइटी का जो फोर्थ वर्ण है डेट इज शूद्र उसका स्टेटस तो नॉन आर्यन से बड़ा ही रहेगा राइट और फिर इन लोगों को वो मेंटेन भी करना था कि भाई शूद्र वर्ण जो है भले हमारे लिए वो लेबर है बट वो ऑर्डिनरी या फिर इंडिजीनियस इंडियन पॉपुलेशन से क्या है तो बड़े हैं तो दैट्स फिर शूद्रास को इन्होंने प्रोड्यूसिंग कमिटी में लाना चालू किया फिर प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी में लाना चालू कर दिया तो अर्लियर वैश्यास के रिलेटेड ही या फिर वैश्यास में ही एग्रीकल्चर एक्टिविटी की परमिशन थी अब शूद्राजो अलाउड कि दे कैन सेटल डाउन एज एन एग्रीकल्चर ऑन द अदर हैंड जो नॉन आर्यन सोसाइटी के बाहर थे उनके लिए आचार्य चाणक्य वाज क्वाइट स्ट्रिक्ट तो सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने हम लोगों को अंत्यजा की बात करके रखी है तो हु आर दी अंत्यजा अंत्यजा का एक अर्लियर वर्जन हम लोगों को पता है दैट इज अंत्यवసాయनी अंत्यवసాయिन तो ये जो अंत्यवసాయिन है ये हम लोगों को मिलते हैं महाजनपदा पीरियड में तो जनपदा पीरियड के जो सोर्सेस है वो हम लोगों को बताते हैं कि इंटरवर्ण मैरिजेस जो है वो भले ही वैदिक लिटरेचर में प्रिस्क्राइब किए हैं एंड उसको एक्सेप्ट किया है बट फिर भी इंटरवर्ण मैरिज जब सोसाइटी में होते हैं तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा इट इज सेम एज लाइक टूडे कि भाई इंटर रिलीजियस मैरिज है कॉन्स्टिट्यूशन उसको परमिशन देता है इंटर कास्ट मैरिजेस है कॉन्स्टिट्यूशन उसको भी परमिशन देता है बट अगर आपने ऐसा मैरिज किया तो आपको पता है सोसाइटी में उसका क्या रिपरकशन होगा आपको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा

तो उसका बच्चा बन जाएगा अंत्यवसाइन एंड इन दैट कैपेसिटी उसका कोई वर्णन नहीं है एंड अगर उसका कोई वर्णन नहीं है तो सोसाइटी में उसको स्टेटस मिलेगा क्या नहीं सोसाइटी में उसको जॉब मिलेगा क्या नहीं मिलेगा राइट सो बेसिकली गरीबी में ढकेले जाने लग गए एंड ये जो गरीबी है ये अंत्य से चालू हुई अंत्य का एक मॉडर्न वर्जन जो है वो हम लोगों को मिला है दैट इज अंत्यजा तो आचार्य चाणक्य हम लोगों को अंत्यजा के बारे में बताते हैं तो आचार्य चाणक्य इज ऑल्सो राइटिंग द सेम की इंटर

पाटलिपुत्र एक कैपिटल है एंड आफ्टर सुवर्णगिरी सुवर्णगिरी एक कैपिटल है है अभी हमने देखा था कहां पर है, तो कर्नाटका में है अब पाटलिपुत्र है एंड एंडर आफ्टर सुवर्णगिरी में एक नॉन वैदिक रिलीजन या फिर नॉन वैदिक पीपल है बैठे है जैसे ही ये मौर्य के अंडर आए तो ऑब्वियसली सुवर्णगिरी के बहुत सारे लोग जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए ब्राह्म्य रिलीजन में या फिर वैदिक रिलीजन में कन्वर्ट हो गए बट अब आपने देखा कि वैदिक रिलीजन 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 है तो ये वैदिक या फिर जो है अब वो जो है उसका कोर है पाटलिपुत्र वही से सब कुछ मैनेज होता है तो पाटलिपुत्र में बैठा हुआ जो ब्राह्मण है अपने आप को सुवर्णगिरी में बैठे हुए ब्राह्मण से इक्वल कंसिडर करेगा क्या एब्सोल्युटली नहीं राइट right? तो दैट्स सा जब आप नॉन आर्यन लोगों को आर्यन के फोल्ड में ला रहे हो वैदिक रिलीजन के अंडर ला रहे हो तो ऑब्वियसली आपको जो है उनको ये भी बताना एट द सेम टाइम कि आपका पोजीशन छोटा है किससे ओरिजिनल लोगों से तो दैट्स वाई दिस जाति सिस्टम तो यू कैन फाइंड विथ इन ब्राह्मिज्म क्षत्रिय देअर आफ्टर इवन वैश्याज एंड शुद्राज अब ये जाति सिस्टम आने लग गई जहाँ पे जैसे ही नॉन आर्यन पॉपुलेशन आर्यन के फोल्ड में आती थी तो उनको एक वर्ण असाइन किया जाता था बट वर्ण में उनको एक लोअर जाति दैट इज कास्ट सिस्टम जो 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 है है वो असाइन की जाती थी तो ये कास्ट सिस्टम इसका वर्जन हम लोगों को इस पर्टिकुलर पीरियड से मिल रहा है बिकॉज दे देवर रूलर ऑफ द इंडिया राइट एंड सिंस दे वर द रूलर ऑफ द इंडिया तो उनमें क्या प्रोसेस हुई सारे के सारे जो नॉन आर्यन लोग हैं अब वो आर्यन सिविलाइजेशन का पार्ट बनने लग गए

इंटर वर्ण अगर मैरिजेस हो रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली उनके जो बच्चे हैं दैट इज प्रोजेनी है उनका वर्ण कौन सा होगा तो उनका कोई वर्ण नहीं होगा उनको सोसाइटी के बाहर रहना पड़ेगा आउटकास्ट में ढकेला जाएगा एंड यहां पे हम लोगों को डोमा हादी देर आफ्टर निषद देर आफ्टर फिर दलिदा ऐसे वर्ड जो है या फिर ऐसे जो कास्ट है उनके अर्लीस्ट एविडेंस मिलना जो है यहाँ पे हम लोगों को चालू हुआ है Thereafter, फिर, as far as sati is then तो सती वॉज नॉन प्रीवाइलेंट एट दट पीरियड ऑफ टाइम एंड एज फार एस स्लेव सिस्टम इज कंसर्न दें स्लेव सिस्टम में आचार्य चाणक्य ने नाइन डिफरेंट टाइप ऑफ द स्लेव प्रिस्क्राइब किया और उन्होंने ये स्ट्रिक्टली लिख रखा है कि अंडर नो कंडीशन आर्यन कैन बी स्लेव तो आर्यन बिल्कुल स्लेव नहीं हो सकते नॉन आर्यन लोगों को आपको लाना पड़ेगा दैट इज लोकल इंडिजिनियस पॉपुलेशन को तो आपको स्लेव बनाना पड़ेगा या फिर is, जो है, उसको भी आप स्लेव बना सकते हो बट ऑब्वियसली ये जो है दैट इज वर्ण सिस्टम फॉलो करने वाला जो वैदिक रिलीजन है उसमें जो आर्यन लोग है उसमें कोई स्लेव नहीं बनेगा बिकॉज फोरफोल्ड वर्ण सिस्टम अगर आपका कोई भी वर्ण है तो अभी आप बन जाओगे हायर गॉट इट फिर आएगा जिनका कोई वर्णन नहीं है एंड अंत्यजा के फिर नीचे आते थे इंडिजिनियस लोग एंड एंडर मिले इंडिजिनियस लोगों को ये लोग क्या बुलाते थे तो दासा एंड दस्यु ये वर्ड हम लोगों ने पहले ही देखे थे तो क्वाइट प्रॉपरली यू कैन सी दैट नाउरजिंग सोशल ऑर्डर जो है नया सोशल ऑर्डर सोसाइटी में मौरियन पीरियड ऑफ टाइम में डेवलप्ड होने लग गया एंड जिसमें मौरियंस ने बहुत सारे कन्वर्जन भी करवाया नॉन वैदिक रिलीजन से वैदिक रिलीजन बट ये जो कन्वर्जन करवाओगे तो आपको इक्वालिटी नहीं रखनी है नए लोगों को आपको नीचा दिखाना है दैट्स द एमरजेंस ऑफ द कास्ट और जाति सिस्टम तो विथ इन ब्राह्मीनिज्म कास्ट एमर्ज विथ इन क्षत्रिय अलग अलग कास्ट एमर्ज विथ इन यू कैन कंसिडर वैश्य अलग अलग कास्ट एमर्ज एंड इन शूद्रा ऑल्सो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट जो है वो एमर्ज होना सोसाइटी में चालू हो गए पहले भी बताया था सन या फिर डॉटर होगा किसी भी स्लेव का देन ऑब्वियसली विलेट चाइल्ड और इसके पीछे की मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी मूरा एंड नेसेसिटी टू इंस्टॉल चंद्रगुप्त मौर्या ऑन द थ्रोन ओके तो उसके वजह से स्लेवरी में थोड़ी सी लीनियंसी हम लोगों को आचार्य चाणक्य ने दिखाई है

स में जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली इट इज स्टिल गुड तो इन्होंने बोल के रखा है कि भाई एज ए रॉयल बॉडीगार्ड वुमन को एम्प्लॉय कर सकते हो तो विश्वकन्या का आपको मैंने पहले ही एक एग्जाम्पल दिया था तो स्टेट एम्प्लॉयमेंट इज समथिंग दैट वॉज गिवन टू द वुमन एंड इट इज क्वाइट सिग्निफिकेट बिकॉज बाय द टाइम ऑफ द गुप्ता पीरियड जब हम गुप्ता पीरियड में जाएंगे तब हम देखेंगे कि वुमन को कोई भी एम्प्लॉयमेंट का अधिकार नहीं था वुमन वाज़ रिक्वायर्ड टू सर्व एट अ होम ओनली एंड शी विल नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट एनी इन द गुप्ता टेरेटरी तो वो जाएंगे देखेंगे पर अभी तक तो एटलीस्ट वुमन के एम्प्लॉयमेंट के एविडेंसेस जो है वो हम लोगों को मिले हैं देर आफ्टर वुमेन के पास स्त्री धन का भी अधिकार था तो स्त्री धना मतलब जो वुमन की प्रॉपर्टी है वो तो वुमन की प्रॉपर्टी कौन सी होगी तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मैरिज उसको अपने घर से एंड इन लॉस के घर से राइट right, कुछ मिलता है जैसे आज भी अगर आप देखोगे कि आपने कभी शादी अटेंड की होगी तो कुछ गहने जो है वो घर वाले देते हैं एंड फिर कुछ गहने जो है वो ससुराल वाले देते हैं सो दैट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द वुमन तो ये जो स्त्री धन है ये स्त्री धन वुमन का ही रहेगा ये हस्बैंड के पास नहीं जाएगा तो बाय द टाइम ऑफ द गुप्ता हम लोगों ने अगेन वही देखा है कि बाय द टाइम ऑफ द गुप्ता

तो अगेन क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज़ अभी तक का कोई भी कंसेप्ट जो है हम लोगों को नहीं मिला है इसके पहले हमने देखा था कि वैदिक टेक्स्ट है वो हमेशा प्रिस्क्राइब कर रहे कि मैरिज कैसा भी हो इट इज सेक्रेड इट इज नॉन ब्रेकेबल एंड वंस मैरिज टाइज आर बेसिकली लेट डाउन फिर उसको आप तोड़ नहीं सकते बट फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेट जो है दैट इज गवर्नमेंट जो है वो डाइवर्स को अलाउ कर रहा है तो डाइवर्स के हम लोगों को इंस्टेंसेस मिले हैं एंड लेटर ऑन ये डाइवर्स जो है वो और स्ट्रेंथन हो गया तो जब पोस्ट मोरियन पीरियड में जाएंगे तो मनुस्मृति के बारे में पढ़ेंगे एंड मनुस्मृति में वी कैन क्लियरली सी उन्होंने सात या आठ कैटेगरीज के डाइवर्स हम लोगों को प्रिस्क्राइब करके रखे हैं बट डाइवर्स जो है वो सिर्फ हस्बैंड ले सकता है वाइफ नहीं ले सकती तो यहाँ पे डाइवर्स वॉज अलाउड बट एग्जैक्टली मेल या फिर फीमेल दोनों ले सकती थी क्या देन यस यहाँ पे हम लोगों को ऐसे एविडेंसेस भी मिले हैं जहाँ पे फीमेल या फिर मेल दोनों डाइवोर्स ले सकते थे बट मनुस्मृति में दैट इज पोस्ट मोरियन पीरियड में ओनली मेल हैड द राइट टू टेक डाइवोर्स चाइल्ड मैरिज अभी तक नहीं आया देर आफ्टर फिर मैरिजेबल एज जो है वो अर्थशास्त्रा में प्रिस्क्राइब किया गया है बारह साल फॉर लड़की एंड देर आफ्टर लड़कों के लिए सोलह साल ऑब्वियसली यू विल कॉल की सर ये बारह साल तो चाइल्ड मैरिज ही है बट नॉट अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्ररी पीरियड जो चाइल्ड का कंसेप्ट है वो हमेशा प्यूबर्टी से रिलेटेड कंसेप्ट है

पोजिशन ऑफ द वुमन बाय लाज वी कैन क्लियरली सी इट वॉज गुड तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द मोरियन सोसाइटी तो सोसाइटी में जो चाणक्य की इन्फॉर्मेशन है एंड देर आफ्टर फिर अर्थशास्त्र की है फ्रॉम द पर्स्पेक्टिव ऑफ द प्रियम्स या फिर जी एस दैट विल बी सफिशियंट ठीक है तो आई होप इट इज क्लियर अगर कोई डाउट रहेगा तो आई गिव यू मिनिट नाउ ठीक है सो अगर कोई भी अगर डाउट रहेगा देन लेट मी नो गाइज आल गिव यू मिनिट टाइप आउट यूर डाउट इफ यूर है तो इसके बाद हम लोग जाएंगे इकोनॉमी के ऊपर कि हाउ मौरियन इकोनॉमी वॉज डेवलप्ड बट अगर कोई भी डाउट रहेगा अंत्य वसायनी जो है दैट आर आउटकास्ट आउटकास्ट मतलब ये वर्ण सिस्टम के बाहर के लोग है तो इनको जाति सिस्टम में भी आप रखोगे रखोगे क्या नहीं रखोगे क्यों नहीं रखोगे बिकॉज जाति सिस्टम ये वर्ण का पार्ट है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सुवर्णगिरी का ब्राह्मण जो है मतलब सुवर्णगिरी का प्रीस्ट है उसने हिंदू रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया वैदिक रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया तो वो बन जाएगा ब्राह्मणा बट इन दैट कैपेसिटी वो ब्राह्मणा में उसको एक लोअर कास्ट असाइन किया जाएगा हायर कास्ट किसका रहेगा जो पाटलिपुत्र में ब्राह्मण बैठा है जो ओरिजिनल ब्राह्मण है उसका होगा राइट right? तो इन दैट कैपेसिटी ये जो कास्ट है जाति है दैट द पार्ट ऑफ द वर्नर सिस्टम गॉट इट और जिस बंदे का कोई वर्ण ही नहीं है राइट right, उसको आप बोलोगे अंत्य या फिर यू कैन कॉल देम एज दी दिस थिंग दैट इज अंत्य जा तो यहाँ पे इनका वर्ण ही नहीं है तो वर्णन ये तो, तो इनकी कोई जाति भी नहीं होगी राइट सो आई होप द इज क्लियर तो आपका पहले वर्ण आएगा वर्ण के बाद आपके आएंगे सारे के सारे या फिर आफ्टर आएंगे आपके आफ्टर दासाज एंड दस्यूज जो एक्चुअल में वैदिक रिलीजन का पार्ट नहीं है तो दिस इज अ प्रॉपर सोशल ऑर्डर है इस टाइप का कुछ ना कुछ तो सोसाइटी में डेवलप्ड होना चालू हुआ ना ऑब्वियसली जब ये वाला सोशल ऑर्डर होगा तो so ऑब्वियसली फिर ये जो अंत्यजाज है जो वर्ना में नहीं आते, वो क्या करेंगे, वो करेंगे में जो है, वो फ्लरिश करना चालू कर दिया एंडर आफ्टर जो नॉन आर्यन पॉपुलेशन है दैट इज ये जो इंडिजीनियस लोग है दैट इज दासा तो ये लोगों के पास भी ऑप्शन था कि दे कैन ज्वाइन द वैदिक रिलीजन और दे कैन ज्वाइन द बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म अगर ये लोगों ने वैदिक रिलीजन ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली उनको एक वर्ण असाइन किया जाएगा एंड विथ इन वर्ण उनको एक जाति असाइन की जाएगी जाति जो है वो छोटी होगी एंड वर्ण डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफेशन राइट तो ऑब्वियसली नॉन आर्यन लोग है जो सुवर्णगिरी में बैठा है उनमें भी तो प्रोफेशन रहते होंगे उनमें एक प्रीस्ट होता होगा एक एडमिनिस्ट्रेटर वॉरियर होता होगा एक फॉर एग्जाम्पल फूड प्रोड्यूसर होता होगा तो ये वाले जो लोग हैं बेसिकली तो वो जब वैदिक सोसाइटी में आएंगे तो वैदिक सोसाइटी में उनको अकॉर्डिंगली वर्ण दिया जाएगा एंड वर्ण के साथ एक जाति दी जाएगी सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर ठीक है ओके okay?

के अंदर जाति होती है जाति का मतलब होता है कास्ट गॉट तो जाति ये हाईएस्ट है इनके नीचे आएगा अंत्य या फिर अंत्यज्जा इनका वर्ण ही नहीं है तो इनका जाति कहाँ से आएगा कास्ट कहाँ से आएगा एंडर आफ्टर इनके नीचे आएंगे कौन आएंगे तो आपके बेसिकली मे दैट इज फॉर एंड इंडिजिनियस पॉपुलेशन वुमन स्टार्टेड फ्रॉम द लेटर यस एब्सोल्यूटली वुमन का पोजिशन होता गया होता गया होता गया राइट तो यहाँ पे भी हम लोगों को कुछ ना कुछ तो पोजिशन ऑफ द डिटेरेशन के एविडेंसेस मिले हैं तो पोजिशन ऑफ द डिटेर के एविडेंसेस क्या पॉलीग्रामी नॉर्मल थी देर आफ्टर फिर पॉलीग्रामी के साथ साथ फिर प्रोस्टिट्यूशन सोसाइटी में ऑर्डिनरी एस्पेक्ट माना गया था तो दिस इज डिग्निटी है वुमेन की छीन ली गई थी एंड मेल पॉपुलेशन वॉज बिकमिंग वेहमेंट और पेट्रियर जो सोसाइटी में बढ़ रही थी एंड फिर यहाँ पे इन लोगों ने वुमन के लिए लॉ भी लिख के रखे थे तो वुमेन्स होगी तो वो कैसे बिहेव करेगी देर आफ्टर वुमेन को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए राइट सो लेटर ऑन बेल सी यही जो एस्पेक्ट है मनुस्मृति जो है उसने पोजिशन ऑफ द वुमन को और नीचे ढकेला अभी तक तो लॉ बनने चालू हुए हैं गोटेड तो एक जमाने में जहां पे पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल तीनों में ऋग्वेदिक पीरियड में जो इक्वल पोजिशन थी वो अब धीरे धीरे कम 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 होते हुए हम लोगों को दिखाई दे रही है ओके या ओके सो आई होप इट इज क्वेट क्लियर मनुस्मृति महाभारत यानी पोस्ट मन, पोस्ट मौर्यन पीरियड में आई है मनुस्मृति के जो अर्लीस्ट एविडेंस है वो फर्स्ट सेंचुरी एडी के अराउंड है ठीक है तो पोस्ट मौर्यन में जाएंगे तब देखेंगे बट आई होप इट इज क्वाइट क्लियर आई एल मूव फॉरवर्ड अगर आपको कोई और डाउट नहीं होगा तो आई एल मूव फॉरवर्ड ठीक है सो नाउ मौर्यन इकोनॉमी तो इकोनॉमी भी मौरियंस की इलेबोरेट थी उसके कुछ कुछ रीजन देखेंगे इकोनॉमी इलेबोरेट होने का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सबसे पहले तो यूनिफाइड एम्पायर था हमने पहले वाले लेक्चर में ही देखा था दैट इज ये लेक्चर कि प्राइमरी एस्पेक्ट की मगध जो है उसने पूरा इंडिया कैप्चर क्यों करके रखा था बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोयटेशन ऑफ द रिसोर्सेस अब पूरा इंडिया कैप्चर करेंगे तो हर जगह पे एग्रीकल्चर प्रमोट करेंगे हर जगह पे इकोनॉमी प्रमोट करेंगे तभी तो जाके आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे राइट तो यूनिफिकेशन ऑफ द द जो है दैट इज प्राइमरी एस्पेक्ट कि सोसाइटी उत्तर पद एंड दक्षिण पद डेवलप हो चुके थे एग्रीकल्चर प्रॉपरली डेवलप हो चुका था एंड आफ्टर ट्रेड एंड क्राफ्ट जो है वो भी प्रॉपरली डेवलप हो चुका था नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज यूज ऑफ स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट जब तक आप लिखोगे पढ़ोगे नहीं तब तक आप हिसाब कैसे रखोगे राइट तो वी हैव ऑलरेडी सीन जो पे, पोस्ट वैदिक पीरियड है वहाँ पे नए नए जो सोसाइटी के में जो नए नए लोग आ रहे थे फॉर एग्जाम्पल कायस्थ तो कायस्थ इज़ अ न्यू टाइप ऑफ द प्रोफेशन दैट वाज़ डेवलपिंग तो इट क्लियरली शोज ये जो हिसाब किताब वाला जो चीज़ है वो सोसाइटी में अब अच्छे तरीके से डेवलप हो चुका था एंड दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन की इकोनॉमिकल इम्पेटस या फिर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है वो सोसाइटी में चालू हो गई देर आफ्टर गेल्ट इनके बारे में अब इलेबोरेटली हमने पढ़ के रखा था श्रेणी नगर पूरा निगम ये डिफरेंट नाम है इनके लेटर वैदिक पीरियड के एंड बाय द टाइम ऑफ द मौर्यन पीरियड तो इनके लिए इलेबोरेट रूल ही था कि इनको सबसे पहले राजा जो है उससे परमिशन लेनी है मतलब रजिस्टर करना है एंड इन रिटर्न राजा इनको टोटल इंटरनल एंड रेवेन्यू फंक्शन है इलेबोरेट फॉरन रिलेशन वापस से मेन्टेन रखना चालू किया था हमने देखा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन सरगान ऑफ अक्कड़ जो है दैट इज मेजोपोटामिया

ड्राई फीज स्वीट वाइन एंड दर आफ्टर सॉफेज थे तो इट क्लियरली शो जो ट्रेड नेटवर्क जो था अब इलेबोरेटली डेवलप हो चुका था एंड इसके वजह से भी इंडिया में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है वो चालू हुआ

वैदिक पीरियड में इसको निक्ष बोला गया था बट इसके हम लोगों को कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं आफ्टर फिर पना ये ये वाले जो कॉइन है है हम लोगों को मिले हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द महाजनपदा अब मौर्यन पीरियड में हम लोगों को फॉर द फर्स्ट टाइम रुपये का के एविडेंसेस मिले हैं इसी से आज का आपका रुपया जो वर्ड है वो भी डिराइव है तो उसके बारे में भी बात करेंगे ठीक है तो वंस बाय वन सबसे पहले तो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इकोनॉमी में तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं सबसे पहला वाला जो एस्पेक्ट है वो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोड्यूस होगा तो आपकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से हटके अलग अलग प्रोफेशन अडॉप्ट करेगी तो इसकी वजह सेकेंड एस्पेक्ट होता है क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री तो कौन सी -कौन सी क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री डेवलप हुई एंड जब आपकी क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री डेवलप होती है तो आप उसको ऑब्वियसली बनाते क्यों हो बेचने के लिए राइट right? तो बेचने की वजह से फिर इलेबोरेट ट्रेड नेटवर्क है वो डेवलप होते हैं तो हैंस वो जितने भी हमारे लेक्चर चलेंगे एंशियंट एज वेल एज मीडियेबल इकोनॉमी जब जब हम बात करेंगे तो ये तीन एस्पेक्ट पे ही बात करेंगे बिकॉज दिस इज द प्रोसेस पहले एग्रीकल्चर सरप्लस लाओ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को नॉन एग्रीकल्चर प्रोफेशन में भेजो सो so, मैन वो जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोफेशन वो कौन सा है तो आपका है इंडस्ट्री ट्रेड एंड क्राफ्ट एंड वंस यू हैव डेवलप्ड योर इंडस्ट्री ट्रेड एंड क्राफ्ट तो माल आपने बनाया है तो उसको आपको बेचना पड़ेगा सो ट्रेड रूट तो ये तीन एस्पेक्ट इकोनॉमी के हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं तो वन बाय वन एज फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न देन एग्रीकल्चर मोरियंस का काफी हुआ होगा एक जमाने में इसके भी एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं तो सबसे पहले का as far as का अकाउंट अकाउंट एज इज इज कंसर्न देन उसने फार्मर जो है दैट मेगा उसको सेकेंड रैंक पे रखा है तो इट क्लियरली शोज की सोसाइटी में फार्मर का जो पोजिशन है वो बढ़िया रहा होगा या फिर काफी अच्छा रहा होगा और रिस्पेक्टेबल रहा होगा देर आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ द लैंड इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन ऑफ लैंड में आपको एक चीज समझने की जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था वो स्टेट स्पॉन्सर्ड था तो स्टेट स्पॉन्सर्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के एविडेंसेस हम लोगों को यहाँ पे मिले हैं तो स्टेट एविडेंसिस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मतलब क्या तो सबसे पहले मौर्य जो है उन्होंने शूद्रा एंड आफ्टर जो स्लेव पॉपुलेशन थी उनको एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करवाया तो एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करवाया मतलब इनको जो दूर दराज वाले एरिया है एम्पायर में वहाँ पे भेजा दे वेर गिवन पीस ऑफ लैंड लैंड के अलावा उनको सीड्स दिए गए एंड सीड्स के अलावा उनको कैटल पॉपुलेशन भी दी गई एंड एंडर आफ्टर दे देवेर आज टू बेसिकली कैरी आउट देयर एंटायर प्रोड्यूस तो जहाँ जहाँ पर स्टेट स्पॉन्सर होगा तो ऑब्वियसली स्टेट स्पॉन्सर एग्रीकल्चर होने के बाद यहाँ से जो प्रोड्यूस आएगा उसमें एक सर्टन परसेंटेज ऑफ द शेयर है वो जाएगा स्टेट को सर्टन परसेंटेज ऑफ द शेयर है वो जाएगा ये बंदों को जिसने वो लैंड कल्टिवेट करके वहां पे प्रोड्यूस निकालने का काम किया है तो दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ शेयर क्रॉपिंग तो शेयर क्रॉपिंग के भी अर्लीस्ट एविडेंस जो है वो हम लोगों को मौर्य पीरियड ऑफ टाइम में मिले हैं राइट जैसे आज के टाइम पे भी हम लोगों को शेयर क्रॉपिंग मिलती है आप रहते हो सिटी में तो गाँव में आपकी जो जमीन है वो आपने किसी बंदे को चलाने को दी है तो बंदा वहां पे अपना पैसा लगा के पूरा का पूरा खेती बाड़ी संभाल लेता है एंड उस पर जो भी अनाज आएगा जो भी प्रोड्यूस आएगा उसका एक सर्टन परसेंटेज आपको मिलता है सर्टन परसेंटेज उसको मिलता है दिस इज वॉट कॉल्ड एज शेयर क्रॉपिंग तो ये जो शेयर क्रॉपिंग के अर्लीएस्ट एविडेंस है तो हम लोगों को मौर्य में ही मिले हैं एंड ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एग्रीकल्चर था तो जो नॉन कल्टिवेबल लैंड है उसको कल्टिवेबल बनाने के लिए मौर्य ने सबसे पहले तो शुद्रा एंड स्लेव को प्रेफरेंस दिया एंड जब शुद्राज एंड स्लेव भी कम पड़े देन आचार्य चाणक्य ने एक इलेबोरेट ट्राइबल पॉलिसी अपनी डेवलप कर ली तो आचार्य चाणक्य की ट्राइबल पॉलिसी जो उसको भी एक ही लाइन में देखना है कि आचार्य चाणक्य का ये कहना था कि ये जो जंगल वाली एरिया वहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं तो लेट्स गो अटैक कैप्चर दैट एरिया ये ट्राइबल लोगों को पकड़ के लाओ इनको पहले ब्राह्मणिकल फोल्ड में कन्वर्ट करवाओ And convert करवाने के बाद इनकी ट्राइबल यूनिटी जो उसको ब्रेक डाउन करो एंडर असिज अ फार्मर इन फाइव टू टेन तो पांच से दस बंदों की फैमिली बनाओ इनमें इनको सेटल करने के लिए आप प्रयत्न करो तो ये वाली जो पॉलिसी है वो बहुत ही कोर एंड इलेबोरेटली इंप्लीमेंट हुई थी सोसाइटी में और इसके कुछ कुछ एविडेंसेस हम लोगों को अशोका के इंस्क्रिप्शन में भी मिल रहे हैं जहां पे ट्राइबल एरिया में अशोका ने सीधा सीधा लोगों को बता के रखा है कि बिहेव इफ यू डू नॉट बिहेव एज पर द डायरेक्शन ऑफ द महामात्रा देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू हैव हैंड ऑफ लॉ ऑन यू मतलब आपसे एकदम सिवियरली हम लोग डील करेंगे तो ट्राइबल पॉलिसी में भी हम लोगों को वही एविडेंस दिखता है कि अल्टीमेटली एग्रीकल्चर डेवलप करने के लिए जो पॉपुलेशन लगेगी आपको मैन पावर लगेगा वो आएगा कहाँ से तो स्टेट वाज रेडी टू गिव यू लैंड स्टेट वाज रेडी टू गिव यू सीड एंड स्टेट वाज रेडी टू गिव यू द कैटल तो सबसे पहला प्रेफरेंस स्लेव एंड शुद्रा को गया एंड जब वो कम पड़ने लग गए तो ट्राइबल पीपल तो इनको ब्राह्मिनिकल फूल्ड में लेके आओ दर आफ्टर ब्रेक द ट्राइबल यूनिटी मेक दैम सेटल डाउन एज अग्र एग्रेरियन पॉपुलेशन इन द फैमिली ऑफ द फाइव और टेन

हायर लेबरर है उसको ये लोग कर्मकारा बुलाया करते थे उनको एम्प्लॉयमेंट सोसाइटी में देके रखी थी मतलब लैंड के ऊपर इन्होंने एम्प्लॉयमेंट देके रखी थी तो इट क्लियरली शोज सोसाइटी में एग्रीकल्चर जो है उसका सिग्निफिकेंस बढ़ रहा था बिकॉज स्टेट स्पॉन्सर्ड एग्रीकल्चर अब इंडिया में डेवलप हो रहा था जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ेगा तभी तो जाके आपका इंडस्ट्रिय ट्रेड क्राफ्ट बढ़ेगा बिकॉज आपको एग्रीकल्चर में ज्यादा पॉपुलेशन एम्प्लॉय नहीं रखनी है इट सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर अब एक एक करके देखेंगे और इन डिटेल तो स्टेट अपना खुद का लैंड भी मेंशन मेंटेन करके रखता था जिसको आप सीता बोलोगे मतलब मतलब सीता क्राउन मतलब लैंड जो राजा का खुद का लैंड है एंड यहाँ पे फिर ये स्लेव है देयर आफ्टर फिर एग्रीकल्चर ये जो है अपने शूद्राजा उनको एम्प्लॉयमेंट देते थे और ये लैंड को मैनेज करने के लिए जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल था उसको सीता अध्यक्ष बोला जाता था देर आफ्टर इरीगेशन फैसिलिटी में हम लोगों ने द से है? रुद्र दमन दस सेकंड जो है उसके इंस्क्रिप्शन भी हम लोगों ने देखे थे शका रुद्र दमन दस सेकंड का ये बेसिकली सौराष्ट्र और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है दैट इज जूनागढ़ रॉक एडिक्ट जूनागढ़ रॉक एडिक्ट इसमें शिकारुद्र दमन दस सेकंड ने हम लोगों को इंफॉर्मेशन दे के रखी है कि भाई यहाँ पे एक मतलब एक लेक बनी है लेक का नाम है सुदर्शन लेक ये बनी थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे अशोका के टाइम पे इसको रिपेयर किया गया था आफ्टर ही कि तो लोकल लेवल पे इन लोगों ने बहुत सारा इरीगेशन वर्क जो है मौर्य ने कैरी आउट किया था इट इज अगेन एन एविडेंस ऑफ द स्टेट स्पॉन्सर्ड एग्रीकल्चर आफ्टर फिर लैंड रेवेन्यू इज देर एज फार एज लैंड रेवेन्यू रेवेन्यूज इसके ऊपर हमने कल भी देखा था तो लैंड असेसमेंट वॉज देर लैंड असेसमेंट करने के लिए एक समहर्ता नाम का ऑफिसर था मैंने आपको बताया भी था कि जो समहरता है पहले एसेस करेगा एसेस करने के बाद रेवेन्यू कलेक्ट करेगा वो किसको देगा सान्निधाता को देगा एंड द ट्रेजरी अभी असेसमेंट का पंगा भी आपको समझना पड़ेगा ये उस जमाने की बात है जब खेती वॉज कंसिडर एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोफेशन ओके तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आज के जमाने में आपने घर लेके रखा ओके okay? आपने नोएडा में घर लेके रखा एंड घर लेने के बाद वो घर जो है उसको टाला लगा के बंद करके रख दिया बट भले ही आपने बंद रखा वो यूज नहीं हो रहा फिर भी आपको प्रॉपर्टी टैक्स तो right? है Because land है, okay, वो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट तो भले ही आपका घर खाली आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि भाई इससे कुछ इनकम नहीं है तो मैं स्टेट को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दूंगा राइट right? तो वैसे उस जमाने में भी लैंड वॉज इम्पोर्टेंट तो अगर आपके पास लैंड है तो भले ही कुछ मत होगा तो पड़ेगा बात खत्म है तो ये जो तो टैक्स भरना पड़ेगा उसके लिए आपको एक टैक्स असेसमेंट होता था असेसमेंट मतलब बिगिनिंग ऑफ द क्रॉप सीजन में ही आपके पास ऑफिसर आएंगे स्टेट के आपका लैंड उसका एक बेसिक यूनिट देखेंगे एंडर आफ्टर वो एस्टिमेट लगाएंगे कि भाई इसमें कितना के आप फूड प्रोड्यूस ले सकते हो एंडर आफ्टर फिर वो फार्मर को या फिर लैंड ओनर को बोला भी जाता था कि भाई देखो इतना आना चाहिए और इसमें से इतना परसेंटेज आपको ईयर में स्टेट में जमा करवाना है गॉट इट तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज असेसमेंट ऑफ द लैंड एंड असेसमेंट ऑफ द लैंड जो है इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज वंस असेसमेंट ऑफ द लैंड स्टार्टेड सो इट बिकम मैंडेटरी अपॉन द फार्मर टू कल्टीवेट हिज लैंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर हम लोगों को गुप्ता पीरियड ऑफ टाइम में ये एविडेंसेस मिले कि गुप्ता को ये चीज पता चली कि भाई कोई कोई जो लैंड है उसके ऊपर आप हर बार प्रोड्यूस नहीं ले सकते तो आपको कोई कोई लैंड जो है उसको आपको फैलो रखना पड़ेगा मतलब अनकल्टिवेबल रखना पड़ेगा फिर गुप्ता ने लैंड कैटेगराइजेशन करना चालू किया तो गुप्ता में दो इंपॉर्टेंट लैंड कैटेगराइजेशन थे और ये जो है बेसिकली क्षेत्र था एंड दर आफ्टर खिला था तो क्षेत्र जो है दैट इज बेसिकली और कल्टिवेबल लैंड खिला अनिवेबल लैंड एंड इसमें दूसरे दूसरे अलग अलग तरीके के टैक्सेस जो वो गुप्ताज ने लगाए थे बट मौर्यस में ऐसा कोई लीनियंस ही नहीं था अगर आपके पास लैंड है तो आपको उसमें खेती करनी है एक प्रोड्यूस का एस्टिमेट पहले ही लगाया जाएगा बाई दी एस एस एंड वंस दैट प्रोड्यूस का एस्टिमेट लगाया जाएगा बाय द एस इसका मतलब वो परसेंटेज ऑफ प्रोड्यूस जो है इधर इन कैश या फिर काइंड आपको स्टेट के पास जमा करवाना पड़ेगा तो बेसिकली यही हम लोगों को एविडेंसेस मिलते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो था ओके लैंड असेसमेंट यहां पे डेवलप हुआ समहर्ता ये लैंड असेसमेंट एंडर आफ्टर रेवेन्यू कलेक्शन दोनों करेगा एंडर आफ्टर फिर जो इंपॉर्टेंट लैंड जो है दैट इज बेसिकली लैंड टैक्स जो है उसको भागा बोला जाता था एंड भागा जो है वो वन फोर्थ पे था यहाँ पे आपको एक और चीज जनरली याद रखनी है ठीक है जो लैंड टैक्स है इंडिया में थ्रू आउट एंशियंट एंड पीरियड में हमेशा से ही वन थर्ड टू वन सिक्स मेंसेंटेज के अराउंड ओके मतलब okay? तो इसके बीच में दिखाई वन फोर्थ मतलब ट्वेंटी फाइव परसेंट लैंड टैक्स ये पर्टिकुलर जो ट्रेंड है वो थ्रू आउट एंशियट एंड मीडिया चालू रहा एक्सेप्ट ऑन ओकेजन दैट इज अलाउद्दीन खिलजी तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो लैंड टैक्स है हाफ किया था अलाउद्दीन खिलजी के मीडियवल इंडिया एंड फिर अग्ररियन मेजर को मेंटेन रखने के लिए हाई टैक्सेशन वॉज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट बट ये जनरली याद रखना हर एक पीरियड का जो टैक्स है वो याद रखने की जरूरत नहीं है वन थर्ड टू वन सिक्स एंड वन थर्ड से ज्यादा एक ही बंदे का टैक्स था दैट इज अलाउद्दीन खेल जी का थ्रू आउट एंशियंट एंड मीडियबल पीरियड ठीक है दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर yeah. so, में exactly क्या होता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट किंग वॉज अ धर्म प्रवर्तका मीन्स एवरीथिंग वॉज इन दैंड ऑफ द किंग तो किंग कुछ कुछ विलेजेस को एग्जाम करके रखा था फ्रॉम द टैक्सेशन तो ऐसे विलेज जहां बहुत सारे वहाँ के जो लोग हैं वो सोल्जर बन के आते थे वो वाले विलेजेस जो है वहां ऑब्वियसली सोल्जर जो है okay, वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था ऑफ दि स्टेट क्राफ्ट का देर आफ्टर जहाँ पे वर्जिन लैंड है बेसिकली कल्टिवेटेड वर्जिन लैंड जो है ओके दिस विजेस में है वर्जिन लैंड अंडर द कल्टिवेशन सो बेसिकली वर्जिन लैंड मतलब सबसे पहले जब स्टेट स्पॉन्सर्ड एग्रीकल्चर होता था जब नया नया कोई तो लैंड जो है वहाँ पे स्टेट किसी को बसाने में हेल्प करता था तो फॉर अ और फॉर अ टू वहाँ पे टैक्सेशन जो मोदी नहीं लगाते थे ताकि एक इंसेंटिव मिले टैक्सेशन नहीं है तो फिर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इफेक्टिवली करोगे एंड आफ्टर लुम्बिनी एडिक्ट जो है वो भी हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि अशोका जो है वो लुम्बिनी में गया था लुम्बिनी इज एज बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा एंड वहां पे जाने के बाद अशोका ने मेंशन करके रखा है कि दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ द द मुनि दैट इज गौतम हिमसेल्फ आई एम रेमिटिंग टैक्स ऑफ दिस रेवेन्यू मतलब मैं इस पर्टिकुलर गाँव जो है उसका टैक्स कम कर रहा हूँ तो एग्जेम्पन ऑफ द टैक्सेशन भी है मौर्यन के पीरियड ऑफ टाइम में देर आफ्टर तो फिर ट्रेड एंड कॉमर्स तो ट्रेड एंड कॉमर्स में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले तो सॉलिड इकोनॉमिक बेस है तो एज फार एज सॉलिड इकोनॉमिक बेस इज कंसर्न देन जब सॉलिड इकोनॉमिक बेस मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है तो आपका इकोनॉमी का जो दूसरा कॉम्पोनेंट है दैट इज बेसिकली अ आर्ट एंड क्राफ्ट या फिर जो इंडस्ट्री है वो डेवलप होगी तो वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड थी वो स्टेट स्पॉन्सर्ड क्यों थी बिकॉज सबसे पहले स्टेट जो है ओके okay, उन्हें उसने एक पूरी की पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करके रखी थी स्टेट ने गिल डेवलप करके रखे थे ओके okay, स्टेट ने रोड्स एंड इंस जो है वो भी डेवलप करके रखे थे तो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करके रखी थी स्टेट ने एंड स्टेट ने फिर एक डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड रोड भी किया था तो वी हैव गॉट उत्तर पथ एंड एज वेल एज दक्षिण पथ तो एक उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ एंड आफ्टर ईस्टर्न रूट ये तीनों डेवलप करके रखे थे तो उत्तर पथ जो बेसिकली आपका तक्षशिला से निकलता था एंड तक्षशिला से नीचे पाटलिपुत्र को कनेक्ट करता था एंड पाटलिपुत्र से आगे एक ताम्र नाम का फोर्ट है तो ये जो ताम्रलिप्ति है ये ताम्रलिप्टी इज बेसिकली मॉडर्न डे बंगाल तो ये आपका बन गया उत्तर पद एंड अराउंड कोटाम भी ये सेपरेट करता था मतलब ये साउथ में आता था पहले ये उज्जैन को कनेक्ट करेगा एंड उज्जैन से फिर ये अस्का अस्का की जो डायनास्टी है या फिर जो कैपिटल है जिसको पौधायनपुरा भी बोला जाता है इट इज मॉडर्न डे औरंगाबाद ऑफ महाराष्ट्र

पहले तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को पैट्रोनाइज किया दैट इज गिल्ड को को आफ्टर स्टेट ने दक्षिण पद भी अच्छे से पैट्रोनाइज करके रखा था ये उत्तर पद एंड दक्षिण पद जो महाजनपदा पीरियड से ही डेवलप्ड होना चालू हो गए थे तो अगर गलती से क्वेश्चन आया कि मौर्यन ने ये डेवलप किए तो इसको आप रॉन्ग कंसिडर करोगे मौर्यन ने इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया प्रॉपर रोड बांधे इसके ऊपर इंस मोरियंस ने कंडक्ट ये जो थी बना के रखी थी एंड एंडर आफ्टर ट्रेड के लिए गिल्ड जो है उनके लिए भी रूल्स मोरियंस ने बनाए थे तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड एंड आफ्टर आर्ट एंड क्राफ्ट तो एज फार एज आर्ट एंड क्राफ्ट इज कंसर्न एंड मोरियंस की आप, हमारे पास नहीं है बट बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर जो है ने हमें बता के रखे क्लियरली कि सोसाइटी में बहुत सारा डिफरेंट माल जो है वो प्रोड्यूस होता था जैसे पन्या अध्यक्ष जो है वो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स जो उसके प्राइस को फिक्स करने वाला अध्यक्ष था दैट इज चीफ था समस्त अध्यक्ष जो है वो मार्केट का हेड था तो मार्केट में कोई करप प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा है

कोई भी सिटी होगी उसमें एक ही गेट होगा वही से माल अंदर आएगा वही से माल बाहर जाएगा तो जब अंदर आएगा एंड बाहर जाएगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा जिसको आप बोलोगे आफ्टर जो है वो माइन के ऊपर जो जो टैक्सेस लगते हैं वो हैंडल करने के लिए आकाराध्यक्ष है एंड दर आफ्टर मोरियंस में ओके माइंस के ऊपर मोनोपोली होती थी तो माइंस जो है उसके ऊपर हमेशा स्टेट मोनोपोली होती थी ठीक है स्टेट मोनोपोली मतलब माइंस जो है वो सिर्फ स्टेट ही हैंडल कर सकता है तो वी हैव गॉट टू बेसिक ओवर हियर एक लोहा अध्यक्ष है ऑफ आयरन एंड एक लावण्य लावण्य अध्यक्ष है है का मतलब होता सॉल्ट तो सॉल्ट माइन जितनी भी है स्टेट में वो भी मोरियंस के अंदर ही थी दैट इज स्टेट के अंदर थी एंड फिर सॉल्ट प्रोड्यूस करने का जो काम है उसको डिस्ट्रीब्यूट एंड रेगुलेट करने का काम है वो करता था लावण्य अध्यक्ष तो लावण्य अध्यक्ष वॉज चार्ज ऑफ द सॉल्ट और दिस इज फ्रॉम दिस वी कैन क्लियरली सी जो मौर्य की जो इकोनॉमी है ओके वो काफी इलेबोरेट इकोनॉमी थी एंड इकोनॉमी के जो जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है वो हम लोगों को मिलते हैं दर आफ्टर फिर मौर्य का जो कॉइनेस सिस्टम है नाउ इसमें आपको एक चीज याद रखनी है एज फार एज कॉइनस सिस्टम इज कंसर्न डेवलपमेंट तो यही है जो लेटर वैदिक पीरियड में है दरअकर्षपना और पना जो आपको महाजनपदा में मिलेंगे दिस आर बेसिकली पंच मार्क सिल्वर कॉइन और यही हम लोगों को सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में मिले हैं फिर बाय द टाइम ऑफ द मौरियन अर्थशास्त्र ने तो हम लोगों को बहुत ही इलेबोरेटली बता के रखा है कि हमारे पास गोल्ड कॉइन है जिसको सुवर्ण रूपा बोला जाता है लीड कॉइन है जिसको सीस रूपा बोला जाता है कॉपर कॉइन है जिसको ताम्र रूपा बोला जाता है एंडर आफ्टर फिर रुपया रूपा मतलब रुपये का बेसिकली जिसको बेसिकली ये सिल्वर कॉइन का बना था तो ये जो डिफरेंट कॉइन जो आचार्य चाणक्य ने मैंशन करके रखे अनफॉर्चुनेटली अगेन हम लोगों को इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं मिले हैं हम लोगों को सिल्वर पंचमाह कॉइन जो है ओके okay, वो हम लोगों को मिले हैं फॉर एग्जांपल दिस इज सिल्वर पंचमार्क कॉइन तो ये बेसिकली सिल्वर कॉइन है सिल्वर कॉइन को थोड़ा सा आप मेल्ट करोगे एंड उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ तो पंच करोगे दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इज अ पंच मार्क कॉइन जिसको पहले कर्षपना बोला जाता था अब इसको रुपया रूपा बोला जाता है तो ये एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं इसके अलावा एस सच हम लोगों को लीड कॉइन एंड देर आफ्टर गोल्ड कॉइन के एविडेंसेस नहीं मिले हैं गोल्ड कॉइन के अर्लीस्ट एविडेंसेस इंडिया में इंडो ग्रीक से मिलना चालू हुए हैं एंड ऑलवेज कंसिडर कि इंडिया में सबसे पहले गोल्ड कॉइन किसने इशू किया तो वो इंडो ग्रीक ने किया एंड ये ऐसा क्यूँ बिकॉज आचार्य चाणक्य का बुक जो ओरिजिनल वर्जन में हमारे पास अवेलेबल नहीं है और सेंस इट इज नॉट अवेलेबल इन दरिजिनल वर्जन जो हमारे पास कॉपी है वो सिक्सटीन सेंचुरी ईडी की है ओके okay? जो अर्थशास्त्रा की कॉपी है ये एक ब्राह्मण पंडित के घर पे मिली हुई कॉपी है जो ब्रिटिशर्स के हाथों लगी समवेयर अराउंड सिक्सटीन सेवनटीन सेंचुरी तो ये हम लोग ऐसे ही मानते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन देके रखी है ये गलत रहेगी बिकॉज अगर इन्होंने मैंशन किया है तो वो लार्ज लेवल पे हम लोगों को आर्क्योलॉजिकल एविडेंस भी तो मिलने चाहिए जैसा भी हम और आप और मैं अगर रुपए यूज कर रहे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो जमीन में आपको रुपया मिलेगा ही था जो पेमेंट जो होता था मौरियंस में कैश में होता था आर्मी ऑफिसर्स को कैश में पे करते थे एंड जो टैक्स कलेक्शन की जब बारी आती थी तो आचार्य चाणक्य ऑलवेज प्रेफर कैश ओवर द काइंड पेमेंट

Anything else guys, और कोई डाउट है हाँ पे तो फिर बताओगे ये voice का issue सिर्फ एक ही बंदे को आ रहा है बाकी को भी आ रहा है जस्ट एक बार कन्फर्म कर लेना इज फाइन और नॉट ओके ओके, ठीक ठीक है, थीक है, चलो गुड। यार मैंने क्या बताया आप क्या कर रहे हो राइट गोल्ड कॉइन के बट ये एविडेंसेस तो right? right? नहीं मिले जबकि आचार्य चाणक्य ने गोल्ड कॉइन के बारे में लिख के रखा है तो गोल्ड कॉइन हम लोगों को नहीं मिला हम लोगों को सिल्वर कॉइन दुपे का राइट मैंने आपको गोल्ड कॉइन बोला था स्पेसिफिकली जो गोल्ड कॉइन नहीं मिले है ठीक है यस yes. तो वन बाय वन स्टैटिक देर आफ्टर लीड कॉइन भाई लीड टॉक्सिक होता है ये आपको पता है मुझे पता है उनको तो नहीं पता राइट वट एपन नवजोत जी का फोन आया था क्या आपने नहीं ठीक तो है सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन ठीक है हाँ सो फर्स्ट पंचमा कॉइन स्कीम इन महाजनपदा ये अभी कॉइन का हिस्ट्री में मैंने अभी इलेबोरेटली आपको बताया है ओके गोल्ड कॉइन से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन है वो भी मैंने आपको बताया है कि कॉइन जो है भले बुक में मेंशन रखे अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग हम उसको सच नहीं मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे बिकॉज ये वाले जो बुक लिखे गए हैं वो एक पर्पज से लिखे गए हैं तो लिखने वाले का एक इंडिविजुअल बयास भी हो सकता है आफ्टर वी कैन से कि भाई ये जो जो लिख लिखा जो है तो लिखने के बाद ये पैट्रोनाइज किया है इसकी वजह से लिखा गया है तो इसके वजह से हम ये सच नहीं मानेंगे जब तक हम लोगों को दूसरे बुक में भी सेम इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी एंडर आफ्टर फिर आर्कियोलॉजी में भी सेम इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो so दैट्स भले ही लेटर वैदिक पीरियड में कॉइन लिखा है तो हम उसको सही नहीं मानते हम एक्चुअल मानते हैं पंच है, पंचमार्क सिल्वर कॉइन जो हम लोगों को यहाँ बेसिकली महाजनपदा पीरियड में मिला है सिमिलरली यहां पे इन्होंने गोल्ड कॉइन मेंशन तो करके रखे हैं दैट इज सुवर्ण रूपा गोल्ड कॉइन बट यार अगर आप कॉइन यूज कर रहे हो तो उसके एविडेंसेस तो मिले अगर एविडेंसेस नहीं है मतलब आपके पास कॉइन नहीं है राइट right? तो दैट्स वे नाउ वी कंसिडर की जो गोल्ड कॉइन है इंडिया में इंडो ग्रीक ने सबसे पहले इशू किया है डिस्पाइट दिस पीपल है

ज बृहद्रथा मौर्याज असानेटेड फॉर द पॉलिटिकल रीजन एब्सोल्यूटली रिलीजन कहाँ से आया इसमें ओके एवरीथिंग इज अबाउट पॉलिटिक ओके मैंने आपको पहले भी एक डायलॉग मारा था आई एम अगेन गोइंग टू गिव यू दैट डायलॉग दैट सिविलाइजेशनल स्ट्रगल है इट इज ऑलवेज अबाउट द रिसोर्स आपके लिए आपका धर्म इंपॉर्टेंट नहीं है पावर एंड पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है राइट right? तो पावर एंड पैसे के बाद रिलीजन आता है सो रिलीजन इज समथिंग दैट इज सब्सिडियरी जिसको यूज करते हैं पावर एंड पैसा जो है उसको आप मिला सकते हो

Uh, ये आपका जो प्रणया है दैट इज इमरजेंसी टैक्स उसके बारे में अब कल ही बात हो चुकी है ओके okay? ठीक है हरण्य जो है दैट इज कैश पेड इन गोल्ड प्रणया जो है ओके दैट इज बेसिकली एमरजेंसी टैक्स तो ये सारे टैक्सेस के बारे में अब कल बात हो चुकी है ओके यस गोल्ड कॉइन नॉट रीचेबल ये क्या बात हो गई भाई ये ऐसा कैसे डाउट आ रहा है आपको ठीक से तो लिखो ठीक है सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर देन आई एल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछना भी चालू किया है इस बार उन्होंने अशोका के रॉक एडिक्ट की, एडिक की डायरेक्टली जगह है वो जगह की इंफॉर्मेशन ही पूछ ली थी तो मौर्यन इंस्क्रिप्शन में बेसिकली अशोकन इंस्क्रिप्शन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब उसके ऊपर देखेंगे ठीक है हाउ मच परसेंटेज ऑफ द कले टैक्स मैंने अभी एक्सप्लेन कर लिया आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट टू अगेन एंड अगेन रिवाइंड द लेक्चर एंड वॉच इट नाउ ठीक है चलो आई एल मूव फॉरवर्ड नाउ वन बाय वन सबसे पहले अशोक पॉलिसी ऑफ धम्मा तो अशोकाज पॉलिसी ऑफ धम्मा इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एज फार एज G's is या फिर is इसको इन डिटेल जाके आपको नहीं पढ़ना है जितना मैं दे रहा उतना अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो मैं इसमें क्वेश्चन आ जाता तो वो भी आप हैंडल कर सकते हो प्रिलम्स में आ गया तो वो भी आप हैंडल कर सकते हो ना अशोका का जो रॉक एडिक्ट या फिर अशोका का जो पॉलिसी ऑफ आर बेसिकली कॉल्ड एज अ फोर्टीन मेजर रॉक ये जो फोर्टीन मेजर रॉक ये कुछ नहीं है एक बड़ा पत्थर है एंड बड़े पत्थर के ऊपर चौदह लाइन जो है वो हम लोगों को मिले हैं हर एक लाइन जो है वो एक रॉक एडिक्ट है तो अगर मैं रॉक एडिक्ट नंबर एडिक तो वो पहला लाइन है रॉक एडिक्ट नंबर टू बोलू तो वो दूसरा लाइन है रॉक एडिक्ट नंबर तो वो तीसरा लाइन है रॉक एडिक्ट नंबर चार बोलू तो वो चौथा लाइन है ऐसे टोटल कितने हैं फोर्टीन मेजर प्रिंसिपल है मतलब फोर्टीन मेजर रॉक एडिक्ट है तो फोर्टीन मेजर प्रिंसिपल का मतलब ही होता है फोर्टीन मेजर रॉक एडिक्ट और फिर ये 14 लाइन जो है वो हम लोगों को कहाँ पे मिले हैं? तो 14 लाइन जो है वो हम लोगों को मिले हैं 10 पत्थरों के ऊपर तो 10 पत्थरों के ऊपर हम लोगों को ये 14 लाइंस मिली है एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ 14 मेजर रॉक एडिक्ट तो बहुत सारे बच्चे ने मुझे सवाल पूछा है कि सर ये 14 मेजर रॉक एडिक्ट है तो 14 पत्थर होंगे देन नो एब्सोल्युटली नॉट चौदह प्रिंसिपल है चौदह लाइंस लिखे हुए अशोक ने अपने प्रिंसिपल के बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर एंड हर एक लाइन को आप बोलोगे रॉक एडिक नंबर वन तो रॉक एडिक नंबर वन से लेके रॉक एडिक नंबर फोर्टीन मतलब फोर्टीन प्रिंसिपल्स है एंड ये जो फोर्टीन प्रिंसिपल है इसी को आप बोलोगे फोर्टीन मेजर रॉक एडिक्ट और ये चौदह प्रिंसिपल पे लिखे हैं तो बड़े बड़े पत्थरों पे लिख के दस जगह पे लगाए हुए हैं एंड आफ्टर ये वाले जो प्रिंसिपल है वो हम लोगों को किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं तो अशोका की पॉलिसी ऑफ धम्मा के बारे में बताते हैं तो अशोका पॉलिसी ऑफ धम्मा हैज नथिंग टू डू विद द बुद्धिस्ट पॉलिसी ऑफ धम्मा बुद्धा का धम्मा इज टोटली डिफरेंट हमने एक देखा था बुद्धिज्म में थ्री थ्रीशियल एलिमेंट रत्न है, 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 तो तो बुद्धा 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 का जो धम्म बुद्धा. तो बुद्धा की टीचिंग भी हमने देखी थी कि क्या-क्या उनका कहना है, वो बन जाता है धम्म एंड धम्म को प्रोपोगेट करने के लिए बुद्धिस्ट रिलीजन में संघ है दैट संघ इज द थर्ड एलिमेंट राइट यहाँ पे अशोका का धम्म उसका और बुद्धिज्म का कुछ भी लेना देना नहीं है अब धीरे धीरे क्लियरिफाई हो जाएगा आपको तो ये जो टोटल दस मेजर आपको जो मिले हैं ओके okay, पत्थर वो कहाँ कहाँ पर है तो दो ओरिसा में है जोगाड़ा एंड दर आफ्टर धौली में एक है आंध्र प्रदेश में येरागुडी में एक है कर्नाटका में सन्नाती में एक है सोपारा में दैट इज मॉडर्न डे मुंबई दर आफ्टर एक आपको मिलेगा गिरनार में गिरनार इज़ इन मॉडर्न डे गुजरात एक मिलेगा खलसी में उत्तराखंड दर आफ्टर शाहबाजगरी एंड मनशेरा पाकिस्तान एंड दर आफ्टर आपको एक मिलेगा

वरना हम लोग जो है आपके ऊपर क्या करेंगे पैनी नजर रखेंगे एंड लॉ से आपको डील करेंगे जब प्रिंसिपल में देखेंगे तो थोड़ा और आपको पता चलेगा बट दिस इज क्लियरली शोज कि अशोका के जो रॉक एडिक्ट है या फिर पॉलिसी ऑफ धम्मा के जो प्रिंसिपल है वो आउटस्कर्ट ऑफ द कोर एरिया में ही सिचुएटेड है मतलब उत्तर प्रदेश बिहार जो कोर एरिया है मगध का उसके बाहर सिचुएटेड है तो दिस इज बेसिकली बड़े बड़े रॉक एडिक्ट नाउ यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर पीपीटी आई होप आपने डाउनलोड कर ली होगी नहीं किया तो आपको वो मेरे चैनल पे मिलेगी यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिखेगा बट अब ये फ्रैगमेंट ऑफ रॉक ही बचे हैं एक जमाने में काफी बड़े बड़े पत्थर थे एक ये बड़ा वाला पत्थर आपको यहाँ पे अभी भी दिखेगा तो ऑन दिस पर्टिकुलर रॉक जो है अशोका ने अपने फोर्टीन प्रिंसिपल देख के रखे है हर एक प्रिंसिपल बन जाता है आपका रॉक एडिक तो जो फर्स्ट लाइन है दैट इज रॉक एडिक नंबर वन सेकेंड लाइन है रॉक एडिक नंबर टू Third line है rock number three and so on. Total 14 principles है on this particular line. तो है तो तो इसके ऊपर इन्होंने करके रखी प्रकृत करी ब्राह्मियन खारोस्टी स्क्रिप्ट में तो प्रकृत लैंग्वेज हम लोगों को दिखी है ग्रीक लैंग्वेज दिखी है इन द ग्रीक स्क्रिप्ट एंडर आफ्टर अरेबिक लैंग्वेज हम लोगों को मिली है इन द अरेबिक स्क्रिप्ट अरेबिक लैंग्वेज एंशियंट टाइम में सीरिया से लेके ईरान तक ओके ये वाला जो एरिया यहाँ पे ये एंशियंट लैंग्वेज चलती थी जैसे हमारे लिए प्रकृतन ब्राह्मी है उनके लिए अरेमिक है तो इट क्लियरली शोज अशोका ने जो अपने मैसेजेस जो है वो सिर्फ इंडिजीनियस लोगों के लिए ही नहीं तो आउटसाइडर वाले लोगों के लिए भी लिख के रखे हैं एंड इफ यू लुक एट द लोकेशन ओके okay, अगर आपने लोकेशन यहाँ पे देखी देन ऑब्वियसली इंडिया वाला जो एरिया है ओके दैट इज़ खलसी वाला एरिया एंडर आफ्टर ये वाला जो एरिया यहाँ पे आपको प्रकृत लैंग्वेज ही मिलेगी बट अगर आप वहाँ पे जाओगे ओके okay, तो वहाँ पे आपको मिलेगा दैट इज़ कांधार का जो इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे आपको ग्रीक एंड आफ्टर अरेबिक लैंग्वेज मिलेगी तो ग्रीक एज वेल एज लैंग्वेज में कांधार का इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखा गया है एज फार एज कंसर्न जब आप लैंग्वेज लैंग्वेज यूज करोगे तो को लिखा कौन से, script से गया है तो ये वाला जो एरिया है एंड ये वाला ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ओके तो ब्राह्मी यहाँ पे यूज की है एंड ये खारोस्टी स्क्रिप्ट है तो हमने स्क्रिप्ट के बारे में भी पढ़ा था तो जो खारोस्टी स्क्रिप्ट है ये बेसिकली किसके वजह से इंडिया में आई है ईरान के वजह से तो डेरियस द ग्रेट का जब अटैक हुआ तो उसका वन ऑफ द इम्प्लीकेशन इंडिया में क्या हुआ कि दे इंट्रोड्यूस देयर स्क्रिप्ट दैट इज खारोस्टी स्क्रिप्ट मतलब यहाँ पे लैंग्वेज भले ही प्रकृत है बट यहाँ की स्क्रिप्ट कौन सी है तो खारोस्टी है यहाँ पे लैंग्वेज कौन सा है प्रकृत है बट यहाँ पे स्क्रिप्ट कौन सा है तो ब्राह्मी है अगेन आपका एक लैंग्वेज होता है एंड लैंग्वेज का आपका एक स्क्रिप्ट होता है सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट हिंदी लैंग्वेज तो हिंदी लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट है दैट इज देवनागरी राइट तो देवनागरी स्क्रिप्ट हमारे पास है क ख ग घ ओके वो वाला जो स्क्रिप्ट है वो बट ऐसा नेसेसरी थोड़ी ना कि आप हिंदी जो है सिर्फ देवनागरी यूज करके लिख पाओगे आप इंग्लिश लैंग्वेज जो है तो इंग्लिश भी आपका एक लैंग्वेज है और उसका जो स्क्रिप्ट है वो अल्फ़ाबेट है अल्फाबेट मीन्स ए बी सी डी

तो किया है सबसे पहले तो वो पढ़ने वाला जो काम है वो एटीन थर्टी एट में किया है किसने किया है तो जेम्स प्रिंसेप ने किया है जब तक ये स्क्रिप्ट अनडिसाइफर नहीं थी हम लोगों को लगता था कि अशोका जो है वो श्रीलंका का किंग है इंडिया का किंग नहीं है जस्ट अ फैक्चुअल डाटा बट आई होप इट इज क्लियर कि लैंग्वेज कौन सी कौन सी है एंड रॉक एडिक क्या होता है तो ये रॉक एडिक के जब प्रिंसिपल देखेंगे तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा तो एज आई टोल्ड यू टोटल चौदह लाइन है तो चौदह लाइन मतलब हर एक लाइन हो जाता है आपका रॉक एडिक तो ऐसे चौदह लाइन आप देखेंगे कौन से कौन से ये टोटल फोर्टीन लाइन जो है वो अशोका ने अपने पिलर के ऊपर लिख के रखे एंड ये क्यों इसको इनडायरेक्ट थ्रेड भी माना जाता है टू द पब्लिक तो अशोका के पास ही अंडर अ वेरी पर्क्यूलर पोजिशन पूरा इंडिया आ गया अंडर अब लोगों को भी समझाना है कि भाई आप एक पॉलिटिकल यूनिट में रह रहे हो और अगर आप एक पॉलिटिकल यूनिट में रह रहे हो देन तो आपको क्या करना है सेक्युलर तरीके से रहना है मिलजुल के रहना है एंड उनसे फिर वॉयलेंस जो है अभी हम लोगों को निकालना है तो उसके लिए फिर एक एक करके देखेंगे सबसे पहले अशोका ने अपनी पहली लाइन लिखी होगी तो पहले लाइन में उसने सिर्फ लोगों को एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई ये एनिमल सेक्रीफाइजेस जो है एंडर आफ्टर हॉलीडे ऑफ फेस्टिवल गैदरिंग जो आपको बंद करना है तो दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज यू कैन क्लियरली कंसिडर ये जो फेस्टिव गैदरिंग जो सबसे पहले अशोका ने बंद की थी उसके बाद में मेजर मेजोरिटीली ये जो फेस्टिव गैदरिंग इंडिया में शुरू करने का काम है वो डायरेक्टली लोकमान्य तिलक ने किया था तो मॉडर्न इंडिया में आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा है तो आपके लिए कि समवेयर अराउंड 1894 से लेके 1896 में इट वाज लोकमान्य तिलक जिन्होंने फेस्टिवल चालू किए थे बॉम्बे प्रोविंसेस में तब का बॉम्बे प्रोविंस उसमें शिवाजी फेस्टिवल एंड आफ्टर आफ्टर गणपति फेस्टिवल एंड ये फेस्टिवल गैदरिंग में लोकमान्य तिलक क्या करना चाहते थे कि लोग जमेंगे पॉलिटिकल डिस्कशन होगा एंड आफ्टर फिर आप राजा दैट इज ब्रिटिशर्स के खिलाफ इनको भड़का सकोगे तो इवन ड्यूरिंग दी एंशेंट टाइम हम लोगों को, को इसका एविडेंस मिले कि अशोका वॉज अवेयर कि अगर फेस्टिवल गैदरिंग में अगर लोग आएंगे तो ऑब्वियसली क्या करेंगे पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे एंड फिर ये पॉलिटिकल डिस्कशन इज नॉट गुड फॉर मी दैट इज एम्पेयर दैट इज अशोका तो भाई आपको सबसे पहले तो फेस्टिवल गैदरिंग बैन करनी है नो no फेस्टिवल गैदरिंग थ्रू आउट दी एम्पायर एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसने ये भी बता के रखा था कि एनिमल सेक्रीफाइजेस नहीं करोगे तो जो सेक्रीफिशियल वैदिक रिलीजन है उसके अगेंस्ट जो हैट्रोडॉक्स सेक्ट आया अब वो हैट्रोडॉक्स सेक्ट जो है सोसाइटी में बढ़ रहा था उसका वन ऑफ दी एविडेंसेस कि एनिमल सेक्रीफाइजेस नहीं करने मतलब नहीं करने फिर अशोका ने सेकेंड लाइन बता के रखी है कि भाई अभी ये सब चीजें जो है वो ऑब्वियसली लोगों को आप एक धमकी दोगे और ये भी बताओगे कि भाई मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ तो अशोका ने यहाँ पे बता के रखा है कि अंडर दिस पॉलिसी ऑफ धम्मा मैंने सोशल वेलफेयर के मेजर भी किए हैं तो मैं रोड बना रहा हूँ मैं एनिमल्स के लिए एंड फिर लोगों के लिए मेडिसिन प्रोवाइड करवा रहा हूँ एंड मैं एनिमल के लिए मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा हूं इसीलिए आप एनिमल का सेक्रीफाइस नहीं करोगे फिर मैंने वेल्स दैट इज कुआ जो है वो बांध के रखा है ट्री प्लांटेशन भी करवा रहा हो फिर थर्ड लाइन में अशोका लोगों को ये बताना चाह रहा है कि भाई आपको रिस्पेक्ट रखना है तो दिस इज कैन बी कंसिडर्ड एज अ बिगिनिंग ऑफ द वर्च्यू ऑफ रिस्पेक्ट तो आपको जो रिस्पेक्ट रखना है वो कहाँ पे रिस्पेक्ट रखना है टूवर्ड्स ब्राह्मणास एंड टूवर्ड श्रमना।, श्रमना का मतलब क्या होता है तो हेट्रोडॉक्स सेक्ट हेट्रोडॉक्स सेक्ट मतलब एक बन चुका है इसमें अब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन आ चुके हैं तो अब आपको ओके ये मैं कह रहा हूं देवम पिया पियादासी ये चाहते हैं कि भाई अब आप एक दूसरे की तरफ रिस्पेक्ट की भावना जो है वो बना के रखें आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ कि आप वायलेंस छोड़ो मैंने भी वायलेंस छोड़ दिया है तो अशोका इज डिक्लेरिंग की धम्म घोषा है इट इज क्वाइट गुड एज कम्पेयर टू भेरी घोषा तो ये जो भेरी घोषा है उसका मतलब होता है वॉरड्रम

पीस के ऊपर जाएंगे तो भेरी घोषा इज नॉट एडवाइजेबल धम्म अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इसके लिए अब मैं एक ऑफिसर भी अपॉइंट कर रहा हूँ एंड इज दिस ऑफिसर इज धम्म महामात्रा तो धम्म महामात्रा के अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन उसने लोगों को दी है कि दिस इज माई फोर प्रिंसिपल आपको फॉलो करने हैं नहीं करोगे तो मेरे लिए क्या है तो मेरे पास आपके लिए धम्मा है दिस इज स्पेशल ऑफिसर कैन से धम्मा जो महाम को जो इंस्ट्रक्शन दिए है वो भी लोगों को बताया है एंड उन्होंने लोगों को ये जानकारी दी है कि धम्म महामात्रा जो है एट एनी गिवन टाइम दे कैन कम एंड कॉन्टेक्ट मी और यही वाला जो रॉक एडिक्ट मतलब ये वाली जो लाइन है उसी में हम लोगों को पुलिस आफ्टर प्रतिवेदिका ये जो दो ऑफिसर है जिसके बारे में हम लोगों ने बात भी की थी कल वाले लेक्चर में उसकी इंफॉर्मेशन मिली है तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर जो है वो अभी अपॉइंट हो चुके हैं इन ऑर्डर टू एनफोर्स पॉलिसी ऑफ धम्मा मतलब पहले चार प्रिंसिपल एंड फिर ये ऑफिसर को डायरेक्टली अशोका का ये है एक्सेस है दैट दे कैन हैव द एक्सेस ऑफ अशोका तो लोगों को बताने की कोशिश की जाइए कि भाई देखिए आप अगर बात नहीं मान रहे तो क्या होगा डायरेक्टली एम्पेयर से कंप्लेंट हो गया और फिर एम्पेयर से कंप्लेंट हो गई तो पता है आपको क्या होगा फिर राइट डेथ इज फॉर श्योर तो ये अगेन अशोका ने लोगों को बताया है तो ये सब होने के बाद भी सोसाइटी में जो वो वॉयलेंस कम नहीं होता होगा लोगों के बीच में जो लड़ाइयाँ है वो चल ही रही होगी सो दैट्स अशोका ने नेक्स्ट लाइन में दैट इज लाइन नंबर सेवन में ये बताने की कोशिश की है या फिर ये रिक्वेस्ट किए लोगों से कि भाई टॉलरेंस इज अ गुड वर्च्यू टॉलरेंस को बनाए रखिए ब्राह्मणासमनास को रिस्पेक्ट दीजिए एंड देवम पिय पी आप सबसे यही चाहते हैं तो इट इज अ क्लियर एविडेंस की इट शोज कि अशोक आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई टॉलरेंस रखना मतलब सोसाइटी में अभी भी रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस नहीं आया है दर आफ्टर फिर नेक्स्ट लाइन है अब Emperor इससे परेशान हो गए कि लोग जो है वो हमारा बेसिकली टॉलरेशन या फिर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर एम्पेर ने खुद ही डिक्लेयर कर लिया कि भाई डी अब अब धम्मा महामात्रा छोड़ दो अब मैं खुद दैट इज देवम पीए पिय खुद ही रॉयल टूर पे निकलेंगे पूरे इंडिया के और क्यों निकलेंगे जस्ट टू चेक वेदर धम्मा जो है उसको इफेक्टिवली लोग है वो फॉलो कर रहे कि नहीं सो टू पनिश रॉन्ग डूअर्स ऑफ द

तो इसमें आप का इस ट्राइंग टू टेलर्स की जो आप होम सेरेमनी कर रहे हो ये घर वाली जो सेरेमनीज है ये भी आप बंद कर दो क्यों बंद कर दो बिकॉज ऑब्वियसली इसमें भी लोग आएंगे लोग आएंगे तो पॉलिटिकल डिस्कशन होगा पॉलिटिकल डिस्कशन होगा तो क्या होगा सोसाइटी में गड़बड़ होगी तो दिस इज समथिंग दैट अटैक सेरेमनी बर्थ एंड देर आफ्टर इलनेस मैरिज से रिलेटेड सेरेमनीज जो है उसके ऊपर अटैक किया अशोका ने एंड अशोका इज ट्राइंग टू टेल टू द पीपल कि भाई आप ये जो होम सेरेमनीज जो है वो भी आपको क्या करनी है बंद करनी है दर आफ्टर नेक्स्ट लाइन दैट इज राइट लाइन नंबर टेन तो अशोक ने लाइन नंबर टेल में लोगों से वापस से रिक्वेस्ट किया कि आप ये जो पर्सनल ग्लोरी पर्सनल वैलर वाली जो बात करते तो उसको बंद करो देर इज नथिंग इन द ग्लोरी नथिंग इन द वैलर मीनस देर इज नथिंग इन द वॉयलेंस ग्लोरी एंड वैलर तभी आएगा जब वॉयलेंस होगा तो आपको वॉयलेंस नहीं करना है मतलब आपको पर्सनल ग्लोरी एंड पर्सनल ये जो है फेम है उसके ऊपर भी आपको यकीन नहीं रखना है Emperor, line 11 में वापिस से ये बताने कोशिश कर रहा है कि ये जो हमारी पॉलिसी है उसका फायदा कैसे कैसे किस -किस टॉलरेशन रखो मीन अगेन यू कैन क्लियरली सी ये जो है यही पता चलता है कि सोसाइटी में अभी भी पीस नहीं आया है तो अशोका इज अगेन एंड अगेन गिविंग दिस काइंड ऑफ दी एविडेंसिस टू अस एंड आफ्टर अशोका ने जो है लाइन नंबर 13 जो है दैट इज मेजर रॉक नंबर 13 उसमें बता के रखा है कि जो उन्होंने धम्म घोषा जो डिक्लेयर किया था दैट इज कॉन्क्वेस्ट विथ अ पीस वो उन्होंने उन्होंने अचीव कर लिया है एंड ही हैज गिवन दस द इन्फॉर्मेशन कि धम्म घोषा के वजह से एंटियोकस टू ऑफ सीरिया टॉलेमी टू ऑफ इजिप्ट एंटीगोनास ऑफ मैसेडोनिया डर ऑफ इपायरस जो है इनके साथ अभी हम लोगों ने अच्छे रिलेशन मेंटेन रखे हैं तो बेसिकली और प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल जो है उसमें अशोका ने सिर्फ इतना ही लिख के रखा है कि ये जो तेरा लाइन है दैट इज थर्टीन प्रिंसिपल जो है वो मैं हर जगह पे हर पत्थर पे लिखूंगा सो द रिजोल ऑफ दिया पियादासी टू प्रपोगेट दिस मैसेज थ्रू आउट कंट्री सो फ्रॉम दिस मैसेज आपको एक चीज तो अभी पता चली होगी कि अशोका ने एक ही बार में लिखे हुए प्रिंसिपल नहीं है दिस आर इवॉल्व प्रिंसिपल ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम एक एक करके एक एक करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस आया वैसे वैसे इन्होंने ये प्रिंसिपल के लाइन्स जो है वो बढ़ाना चालू कर दिए तो जो जो बड़े बड़े पत्थर है ये पत्थरों पे आपको ये चौदह लाइन दैट इज फोर्टीन प्रिंसिपल मिलेंगे हर एक प्रिंसिपल बिकम्स मेजर मेजर नंबर नंबर एंड फिर का मतलब नंबर नंबर मेजर मेजर का का मतलब 13, का मतलब लाइन क्या हुआ लाइन नंबर नाइन तो अभी ये जो चौदह के चौदह जो प्रिंसिपल है क्वाइट क्लियर सो वन से लेके फोर्टीन के फोर्टीन प्रिंसिपल में आपको यही दिखेगा कि अब सोसाइटी जो है वो मल्टी रिलीजियस हो चुकी है एंड मल्टी रिलीजियस सोसाइटी को मैनेज करना मस्ट हैव अ वेरी वेरी ह्यूज फॉर द अशोका एंड दैट्स फिर ये पॉलिसी ऑफ धम्मा टू टू डायरेक्टली टेल पीपल दैट इज किंग अगर राजा चाहता है कि आप पीस रखिए देन आपको पीस रखना पड़ेगा नहीं रखोगे तो क्या करेंगे धम्मा महामारा अपॉइंट किया है पुलिसानी प्रतिवेदिका है वो आपके बारे में राजा को बताएंगे तो ही वॉन्टेड टू इनकल डिस्फियर इन द माइंड ऑफ द पीपल सो दैट पीपल विल रिमेन पीसफुल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वो इफेक्टिवली फंक्शन कर पाए तो दिस इज बेसिकलीजर रॉक एडिक्ट अशोका जो हम लोगों को ये पर्टिकुलर साइड पे मिले है तो अभी किसी जमाने में ये दस से ज्यादा पत्थर हुआ करते होंगे अभी के लिए तो हम लोगों को दस ही पत्थर मिले है एंड ये दस पत्थर भी टूटे फूटे कंडीशन में मिले है तो ऐसा नहीं है कि हर एक पत्थर पे ये चौदह लाइन हम लोगों को मिली है किसी जमाने में चौदह लाइन इसके ऊपर होती होगी बट अभी के लिए जो फैक्चुअल डाटा मैंने आपको यहाँ पे रखा है तो कांधार इंस्क्रिप्शन है उसमें सिर्फ हम लोगों को रॉक एडिक ट्वेल्व एंड थर्टीन मिला है दैट इज लाइन नंबर ट्वेल्व एंड लाइन नंबर थर्टीन मिली है शाहबाज गढ़ी में हम लोगों को सारे मिले हैं मनशेरा में हम लोगों को सारे मिले हैं कलसी में भी हम लोगों को सारे मिले हैं गिरनार में भी हम लोगों को सारे मिले हैं ऑन दी अदर एंड सोपारा में जो है सोपारा में हम लोगों को सिर्फ लाइन नंबर एट एंड लाइन नंबर नाइन जो है वही मिली है धौली में एंड आफ्टर जोगाड़ा में हम लोगों को सारे मिले हैं एक्सेप्ट लाइन नंबर इलेवन टर्टीन तो लाइन नंबर इलेवन टर्टीन हम लोगों को धौली एंड जोगाड़ा में नहीं मिली है सन्नाती में जो हम लोगों को मिले हैं तो सन्नाती में हम लोगों को लाइन नंबर थर्टीन लाइन नंबर फोर्टीन पूरी मिली है बट लाइन नंबर वन एंड टू है उसके कुछ फ्रेगमेंट मिले हैं बिकॉज पत्थर उस तरीके से कट गया है एंड येरा गुड्डी में अगेन हम लोगों को चौदह के चौदह लाइन्स जो है दैट इज फोर्टीन प्रिंसिपल जो है वो मिले हुए हैं सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर अगेन इन वन सिंपल नक्शल और वन सिंपल लाइन की पूरा इंडिया कैप्चर हुआ people of different nationalities were living in this India, people of different religion were living in this India, and in that capacity इनके ऊपर अगर आपको hold रखना है, इनको manage करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनको शांत करना पड़ेगा। so this was the policy of the social conduct। तो so emperor is indirectly giving a threat to the people कि अभी आप tolerance रखो, आप respect रखो। फेस्टिवल गैदरिंग नहीं करना एनिमल सेक्रीफाइजेस नहीं करना मैं आपके लिए सोशल वेलफेयर की पॉलिसीज कर रहा हूँ एंड अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो फिर क्या होगा धम्म महामात्रा होंगे धम्म महामात्रा की भी अगर आपको बात नहीं माननी तो मैं खुद भी रॉयल टूर अभी करूँगा तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन कंसिडर एज अ पॉलिसी ऑफ धम्मा ऑफ अशोका सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर तो ये रिक्वायर क्यों थी तो वही थी कि पूरा इंडिया बन गया था मगध की सुप्रीमसी थी जिसको बाकी के लोग मान नहीं रहे थे बहुत सारे सोसाइटी में आ गए थे इलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी उसको अपोज हो रहा था लोकल लेवल पे एंडर आफ्टर जो सरप्लस ऑफ रिसोर्सेसो एक्सप्लॉयट करना है तो आपको लोगों को शांत करना पड़ेगा तो दिस इज ए नटल जो मैंने अभी आपको सारी की सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन की है तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर अशोका की पॉलिसी ऑफ धम्मा एक्जैक्टली क्या है तो अभी अगर आपको अशोका की पॉलिसी ऑफ धम्मा में कोई डाउट रहेगा देन लेट मी नो आई टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट ठीक है एंड दर आफ्टर यू कैन लेट मी नो ठीक है हाँ तो एनीथिंग टिल हियर सो फार ठीक है यस सो व्हाट इज माइनर रॉक एडिक्ट माइनर रॉक एडिक्ट यू कैन क्लियरली कंसिडर ये मेजर रॉक एडिक्ट है मतलब यहाँ पे आपको चौदह के चौदह प्रिंसिपल मिलेंगे इसके अलावा कुछ छोटे मोटे पत्थर भी हम लोगों को मिले जिसमें अशोका ने जनरली कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पास ऑन की है नॉट important from द perspective ऑफ दी यूपीएससी जी या फिर यू पी एस ने उड़ते उड़ते हुए दो सवाल पूछे थे एक बार कंगन हल्ली इंस्क्रिप्शन के ऊपर पूछा था एंड उसके पहले मस्क इंस्क्रिप्शन पे पूछा था तो मस्क इंस्क्रिप्शन वाला नाइनटी सेवन नाइनटी एट में था कंगन हल्ली वाला टू थाउजेंड सेवेंटीन एटीन में था एंड दोनों टाइम पे दो रिसेंट डिस्कवरीजेंट तो डिस्कवरी थी इसके लिए यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया बट माइनर रॉक एडिक अशोका की बथेरे है तो आप हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रैम नहीं कर सकते सो जस्ट लीव दैट वाला पार्ट उसको करके कोई फायदा नहीं होने वाला ठीक है, है या एक बार बस ये देख लेना जो मैंने पीवाई वाला जो टॉपिक डाला है उसमें मैंने माइनर रॉक एडिक की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन की है तो जो इंपॉर्टेंट माइनर रॉक एडिक्ट है वो मैंने वो पीवाई क्यूज में अप कर लिए है ओके तो वो भी आपको ग्रुप पे मिल जाएगा ठीक है हुँ. देखो यार मैंने आपको वही बताया राइट एम्परर इज एम्पर अल्टीमेटली अशोका को आप कितना भी पीसफुल मानो बट यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर इट वाज देयर वाज नथिंग पीस इट वाज द नेसेसिटी ऑफ द सोसाइटी तो नेसेसिटी ऑफ द सोसाइटी मतलब इतना बड़ा अगर आपको इंडिया मैनेज करना है तो लोगों को आपको शांत रखना पड़ेगा एंड दिस पीपल वे ऑलवेज फाइटिंग विद ईच अदर एंड अगर ये डिफरेंट नेशनैलिटी के लोगों को आपको शांत करना है तो आपको इनको डायरेक्टली कुछ बताना पड़ेगा अगर राजा लोगों से डायरेक्टली बात करेगा तो लोग मानेंगे लोगों के मन में वो खौफ होता है हमेशा राजा का राइट सो दैट्स फिर ये बड़े बडे पत्थर जिन्होंने जो इसने उठा के जगह जगह पे लगा के रखे थे एंड ही वॉज डायरेक्टली टॉकिंग विद द पीपल कि भाई आपको ये करना ये करना ये करना है ओके यस ठीक है hmm. अशोकवर्धन मौर्य ने कोई यज्ञ परफॉर्म किया इसका कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है एनिमल सेक्रीफाइजेस तो बैन ही करके रखी थी यस एप्सोल्यूटली सोसाइटी ऑफ वेजिटेरियन बनती जा रही थी ओके okay, इसके एविडेंसेस जो है हम लोगों को महाजनपदा पीरियड से ही मिला है तो जैसे ही आपने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ज्वाइन कर लिया देन वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट वॉज नॉन वेजिटेरियनिज्म जैनिज्म में तो आज भी ओके नॉन वेजिटेरियनिज्म तो छोड़ो ही तो ऑनियन एंड गार्लिक खाना भी मना है तो ये सिक्स सेंचुरी बी वाले रूल है जो आज तक मतलब अप्रोक्सीमेटली टू थाउजेंड ईयर बाद भी ये लोग फॉलो कर रहे हैं गॉट इट हाँ, बहुत सारे थे अप्रोक्सिमेटली 62 टू रिलीजन हम लोगों को मिले हैं महाजनपदा पीरियड ऑनवर्ड तो 62 टू हेट्रोडॉक्स सेक्ट मतलब बासठ अलग अलग रिलीजन हम लोगों को मिले हैं जिसमें से कुछ कुछ जो है वो हम लोगों को इंपॉर्टेंट है दैट इज बुद्धिज्म जैनिज्म चार्वका एंड डर आफ्टर अजीविका इसके बारे में पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ब्राह्मीनिकल रिलीजन इसको ब्राह्मीनिकल रिलीजन इसीलिए बोला जाता है बिकॉज हिंदू ये नाम इस रिलीजन को कब आया तो नाइन्थ सेंचुरी एडी में आदि शंकराचार्य ने दिया तो सेंचुरी ईडी के पहले इसको वैदिक रिलीजन या फिर ब्राह्मणिकल रिलीजन बोला जाता है तो ये पांच छह मेजर रिलीजन सोसाइटी में जो थे यार ये रॉक एडिक नाइन टू इलेवन जो है okay, औ, औ, मतलब कुछ इसमें बोलने वाली चीज ही नहीं है ओके okay? हर एक लाइन में आपको उसका मतलब जो है अपने आप पता चलेगा तो नाइन जो है वो घर वाली आपको सेरेमनी नहीं करनी है जैसे रॉकेडिक नंबर वन में उसने बोल के रखा था कि आपको फेस्टिवल गैदरिंग नहीं करनी है तो फेस्टिवल गैदरिंग छोड़ के अब लोगों ने घर वाली सेरेमनीज चालू कर दी तो अभी उसने बोला कि ये घर वाली सेरेमनीज भी मत करो एंड उसने एक सेंसर भी पास किया था मतलब राजाज्ञा ही निकाल दी थी कि ये जो घर वाली जो सेरेमनीज है आपको करनी ही नहीं है बिकॉज इससे अब आप, आप एक साथ आ रहे हो एंड फिर जब आप एक साथ आओगे तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिस्कशन होंगे एंड दर आफ्टर अल्टीमेटली क्या होगा इसके वजह से सोशल फैब्रिक है वो पिघड़ेगा वैसे अगर आप नाइन टेन की बात करोगे तो पर्सनल ग्लोरी जो है ये पर्सनल ग्लोरी के नाम पे ब्राह्मण बंदा बुद्धिज्म को मारेगा बुद्धिज्म वाला बंदा ब्राह्मणा को मारेगा तो ये पर्सनल ग्लोरी एंड रिलीजन की आप बात मत करो इसको भी छोड़ दो सोसाइटी में पीसफुली रहना सीख लो एंड आफ्टर जो इलेवन है ओके okay, ये फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि भाई आपको हर एक चीज क्यों करनी है आपको रिस्पेक्ट क्यों देना है आपको टॉलरेंस क्यों रखना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके देखो आज के टाइम पे तो सब चलता है ना यार देखो हिंदू रिलीजन में भी इफ़ यू आर अ फॉलोअर ऑफ द वैष्णविज्म या फिर वैष्णव देन उसमें भी मीट ईटिंग तो अलाउड नहीं है जैन रिलीजन में भी मीट ईटिंग अलाउड नहीं है बट स्टिल यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ जैन पीपल बुद्धिस्ट पीपल या फिर इवन हिंदू में ऐसे सेक्ट है जिनको प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आपको आज मीट नहीं खाना वो भी खाते हैं सो एज अ हिंदू ओके आप मुझे नहीं पता वेदर यू बिलोंग टू नॉर्थ एंड साउथ बट नॉर्थ में मंगलवार को बहुत माना जाता है मैंने कॉमनली देखा है तो मंगलवार के दिन यहाँ पे बाहर भी नॉनवेज मिलना मुश्किल है राइट right? साउथ में नहीं चलता साउथ में तो सब दिन मिलता है बट मंगलवार के दिन भी तो लोग यहाँ पे नॉनवेज खाते हैं राइट सिंपल है तो वैसे ही बुद्धिस्ट रिलीजन में भले ही ये प्रिस्क्राइब किया है कि मत खाओ तो वो तो आपका इंडिविजुअल चॉइस है ना यार खाना, खाना है नहीं खाना है नहीं खाया तो क्या चलेगा या फिर खाया तो भी क्या फर्क पड़ता है राइट ओके सिंपल हाँ नहीं मैं अभी नहीं दूंगा अभी पहले वाले लेक्चर देखोगे अब ठीक है आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम ओके सो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोहिबिटेड

जो तो लाइन है आपको हर एक पत्थर पे मिलेंगे एक जमाने में होते होंगे बट अभी जो हम लोगों को मिला है तो उसमें मैंने आपको एक फैक्चुअल डाटा भी दिया है कि कौन सा लाइन जो है हम लोगों को कौन से पत्थर पे मिला है तो जहाँ पे मैंने मेंशन किया है वहाँ पे सिर्फ वही लाइन है रेस्ट ऑफ द पत्थर जहाँ पे मैंने मैंशन नहीं किया वहाँ पर हम लोगों को चौदह के चौदह प्रिंसिपल या फिर फोर्टीन की फोर्टीन लाइन जो है वो मिली है ओके okay? तो धम्मा आई होप इट इज क्वाइट क्लियर ओके अभी विल मूव ऑन टू द मौरियन पिलर दैट इज अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर ओके okay? ठीक है पीगन रिलीजन बोलोगे पीगन रिलीजन मतलब एंशियंट टाइम में जिविश रिलीजन कंसिडर किया जाता था तो जिविश रिलीजन पीगन रिलीजन जो है इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड फिर यही रिलीजन जो है उसमें से दो नए धर्मगुरु निकले तो बेसिकली कंसिडर किया जाता है कि जीजस क्राइस्ट जो है दैट इज थर्ड धर्मगुरु ऑफ द जीविश रिलीजन जिन्होंने अपना क्रिश्चियनिटी बनाया एंडर आफ्टर जो सेवन धर्मगुरु है पीगन दैट इज इजिश रिलीजन के उनको मोहम्मद पैगंबर कंसिडर किया जाता है तो मोहम्मद पैगंबर ने भी अपना एक नया रिलीजन बनाया दैट इज इस्लामिज्म फिर ये एंड एंडर आफ्टर इस्लामिज्म इन दोनों ने मिलकर जीविश रिलीजन को खत्म करने का सारा का सारा एंशंट टाइम में एंड मीडियाबल टाइम में काम किया है सेम यू कैन सी जब बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इंडिया में आने लग गया तो दे स्टार्टेड टू क्रिटिसाइज वेदिक रिलीजन तो उनका भी वही एस्पेक्ट था कि वेदिक रिलीजन को खत्म करके ये नया रिलीजन हम लोगों को चालू करना है तो बुद्धा महावीरा ये भी तो वैदिक लोग ही थे ये थोड़े ना कोई भगवान या फिर आसमान से आए हुए लोग थे राइट तो वैसे ही मोहम्मद पैगम्बर एंडर आफ्टर यू कैन कंसिडर इवन जीजस राइट इन द इनिशियल पीरियड ऑफ ऑफ द द द टाइम और दे वेर रिलीजन जिन्होंने बाद में अपना रिलीजन जो है नया रिलीजियस सेक्ट लाने का काम किया है ओके आई होप इट इज क्लियर चलो आई मूव फॉरवर्ड नाउ ठीक है बहुत हो चुकी बात है

मतलब बेसिकली क्या है तो सेवन लाइन है दैट इज प्रिंसिपल है इनके ऊपर भी एंड यहाँ पे एक कोइंसिडेंस ऐसा है कि ये प्रिंसिपल हम लोगों को कहां पे मिले है तो सेवन डिफरेंट पिलर्स पे मिले है तो इस सेवन डिफरेंट पिलर्स का लोकेशन देखेंगे एंड सेवन जो प्रिंसिपल है वो भी देखेंगे तो आपको ये वाला नाम भी याद रखना पड़ेगा कि मेजर पिलर एडिक्ट नंबर एडिक्टन मेजर पिलर एडिक्ट नंबर टू जब मैं मेजर रॉक एडिक्ट बोलूंगा तो वो धम्मा वाला हुआ अभी जो थोड़े टाइम पहले बात हो की वो हुआ है तो फोर्टीन मेजर रॉक एडिक्ट है अशोका के एंड सेवन मेजर पिलर एडिक्ट है अशोका के ऐसा क्यों बिकॉज पत्थर पे चौदह प्रिंसिपल मिले है that's why 14 मेजर रॉक एडिक्ट पिलर के ऊपर सेवन प्रिंसिपल मिले दैट सेवन मेजर पिलर एडिक्ट ठीक है तो सेवन मेजर पिलर एडिक्ट है अशोका के एंड अशोका ने ये जो पिलर जो है ये हम लोगों को बनाए हुए कहाँ पे मिले हैं तो ये बेसिकली अशोका ने टूवर्ड द एंड ऑफ हिज लाइफ बनाए हुए है और इसमें हम लोगों को कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है अगेन धम्म की ही इन्फॉर्मेशन मिलती है बट इसमें एक इशू ये है कि जैसे रॉक एडिक्ट हमने देखे थे कि रॉक एडिक्ट एम्पायर का जो कोर एरिया है उसके बाहर थे मतलब कर्नाटका महाराष्ट्र दर ऑफ्ट सिंध पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान पर जो पिलर एडिक्ट के कोर में ही है तो सातो के सातों जो यही किया जाता है कि बाहर वाले लोग तो छोड़ो अंदर वाले लोग हैं उनमें भी यही टेंडेंसीज थी कि भाई ये जो बाहर के लोग हैं उनको खत्म कर दो तो दैट्स अगेन अंदर वाले जो लोग हैं कोर एरिया वाले लोग हैं उनको भी अशोका ने बताना चालू किया कि भाई जरा सब्र रखो रिस्पेक्ट रखो टॉलरेंस रखो और फिर इनको बताने का काम जो है वो इसमें अशोका ने कहाँ से किया तो पिलर एडिक से किया तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ समवेयर अराउंड 237 से 236 बीसी के अराउंड अशोका ने ये पिलर एडिक जो है वो लगाने का काम चालू कर दिया अशोका अल्टीमेटली डाइड इन 232

वन वन बाय वी विल सी दैट कि ये जो seven principle जो सेवन प्रिंसिपल है वो अगेन एग्जैक्टली exactly कौन से प्रिंसिपल कौन से थे तो वन बाय वन प्रिंसिपल नंबर वन सबसे पहला वाला जो प्रिंसिपल है कि अशोका जो है वो लोगों को बता रहा है कि भाई इट इज माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट यू मतलब मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है आफ्टर ये जो सेकेंड वाला पिलर है क्योंकि इस पर्टिकुलर सेकेंड इंस्क्रिप्शन में अशोका बात कर रहा है लाइन में बात कर रहा है कि भाई मैंने एरिया का जो आउटस्कर्ट है वहाँ पे रॉक एडिक में लोगों को धम्मा के बारे में बता के रखा है तो अशोका अपने लोगों को धम्मा डिफाइन कर रहा है तो धम्मा जो है उसका मतलब क्या है तो आपको कौन से कौन से वर्च्यू रखने चाहिए जैसे टॉलरेंस है ट्रुथफुलनेस है पीसफुलनेस है ये आप में होने चाहिए फिर ये जो तीसरा वाला जो लाइन है दैट इज प्रिंसिपल है पिलर के ऊपर लिखा हुआ उसमें अशोका अगेन बोल रहा है कि भाई ये जो पर्सनल एंगर प्राइड ग्लोरी वैलर ये वाली जो चीज है ये सब आप में नहीं होनी चाहिए दर आफ्टर फिर जो चौथा वाला जो लाइन है उसमें अशोका ने ये सारी इन चीजें जो है वो एनफोर्स करने का काम यहाँ पे राजू कास को दे के रखा है एंड राजू का हमने देखा भी था ही इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन मौर्यन एम्पायर तो तो धम्मा जो जो है, है, को maintain करने के लिए के लिए धम्मा महामात्रा था, को maintain करने का काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज राजू को ही दिया गया था लाइन नंबर फाइव दैट इज प्रिंसिपल नंबर फाइव तो यहां पे एनिमल सेक्रीफाइस में अशोका ने क्लियरली बता के रखा है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल जिसका आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है एंड देर आफ्टर अशोका इज ऑल्सो टेलिंग अस हिज कि भाई ये पर्टिकुलर पॉलिसी फॉलो नहीं करने के लिए मैंने 25 प्रिजनर को पकड़ के रखा है बट अल्टीमेटली मैं उनको छोड़ रहा हूँ बिकॉज आई कैन कंसिडर कि एक उनकी मिस्टेक हो गई तो बेसिकली अशोका इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन कि एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करने करोगे तो आपको क्या करेगा जेल हो सकती है देर आफ्टर फिर मेजर पिलर एडिक्स एडिक मतलब सिक्स लाइन में अशोका ने यह बता के रखा है कि धम्मा की जो पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट करने का रीज़न जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था वही सारे रीज़न अशोका ने वापस से ये पर्टिकुलर लाइन में डाल के रखे हैं एंड आफ्टर उसी को एलेबोरेट करने के लिए लाइन नंबर सेवन हम लोगों को मिली है बट ये जो लाइन नंबर सेवन है वो आउट ऑफ सेवन पिलर जो टोटल सेवन पिलर है उसमें से सिर्फ एक ही जगह पे हम लोगों को मिली है, वाला पिलर. तो Haryana, अभी वाला जो पिलर है वो दिल्ली में है तो दिस आर बेसिकली seven line, seven में से जो है वो एंड दिस आर कॉल्ड अशोका कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी ये दो लाइन आपको याद रखनी है फोर्टीन मेजर रॉक एडिक्टर देयर सेवन मेजर पिलर एडिक्टर देयर ठीक है And thereafter, 14 major rock जो है, वो अलग अलग पोजिशन पे दस जगह पे हम लोगों को मिले हैं एंड वैसे अगर एडिक की बात करूं तो पिलर एडिक मेरे को कितने जगह पे मिले हैं तो पिलर एडिक बेसिकली मेरे को सात जगह पे मिले है ओके तो, okay? तो ये जो सात जगह जो है ओके okay, वो कौन सी कौन सी है दैट नाउ वी विल सी तो सबसे पहले लॉरिया अरा राज है लॉरिया नंदनगढ़ हम लोगों को मिला है रामपुरवा में हम लोगों को मिला है दिल्ली टोपरा में हम लोगों को मिला है मीरथ दैट इज दिल्ली मीरथ में भी हम लोगों को मिला है तो दिस आर बेसिकली वन टूर आफ्टर थ्री फोर फाइव दर आफ्टर एंड आफ्टर लुम्बिनी के अराउंड तो दिस आर बेसिकली द सेवन पिलर एंड यू कैन क्लियरली कंसिडर ये पिलर आपको यहाँ पे मिलेंगे एंड एंडर आफ्टर जो रॉक वाले हैं तो रॉक वाले जो है वो आपको एम्पायर के आउटस्कर्ट में मिलेंगे तो एम्पायर के आउटस्कर्ट में आपको सिर्फ रॉक पिलर मिलते हैं दैट इज रॉक एडिक मिलते हैं

वो पिलर के ऊपर का एक कैपिटल है कैपिटल मतलब बेसिकली पिलर के ऊपर वाला फिगर तो रामपुर बुल जो है वो एक बेसिकली नॉन पिलर एडिक पे था मतलब ऐसे पिलर पे था जिसपे हम लोगों को कोई भी अशोका के एडिक्ट नहीं मिले है और वो वाला जो फिगर फिलर ये जो है दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज एज यू कैन सी ये राष्ट्रपति भवन का एंट्रेंस है एंड उसके सामने ही ये बुल रखा हुआ है इसको रामपुरवा बुल भी बोला जाता है तो एक जमाने में रामपुरवा में अशोका का एक पिलर था जिसके ऊपर कोई एडिक्ट नहीं है और ये पिलर के ऊपर एकदम टॉप में ये वाला बुल जो है वो सिचुएटेड था तो इतना बस याद रखना है कि रामपुरवा में दो अलग अलग किस्म के पिलर है एक में हम लोगों को अशोका का पिलर एडिक्ट मिला है और एक में हम लोगों को कोई भी पिलर एडिक्ट मतलब कोई प्रिंसिपल नहीं मिला है तो जो नहीं मिला है उसके ऊपर हम लोगों को रामपुर बिल मिला है ये रामपुरा बिल जो है उसको आप बिहार से उठा के दिल्ली में शिफ्ट किया है एंड यू कैन क्लियरली सी ये राष्ट्रपति भवन का एंट्रेंस है वहाँ पे ये वाला बुल जो है वो हम लोगों को अभी दिखाई देता है देर आफ्टर फिर इलाहाबाद में है अलाहाबाद में मतलब बेसिकली कौशाम्बी में है तो अलाहाबाद कौशाम्बी वाला एरिया वहां पर आपको एक मिलेगा तो बेसिकली इलाहाबाद वाला पिलर ही काफी इंपॉर्टेंट है ये पिलर जो है वो अर्लियर लेवल पे प्रयागराज में हुआ होगा प्रयागराज से इसको अलाहाबाद में लाने का काम जो वो जहांगीर ने किया तो ये जो पिलर है इसके ऊपर सबसे पहले हम लोगों को के मिले सेकेंड हम लोगों को समुद्र गुप्ता की है एंड फिर ये दोनों के ऊपर हम लोगों को जहांगीर के इंस्क्रिप्शन भी यहाँ पे मिले हैं फिर दिल्ली टोपरा एंड दिल्ली मीरत काफी इंटरेस्टिंग है फिर शाह तुगलक जब दिल्ली का एम्पर बना तो जब एम्पेयर बना वो सराउंडिंग एरिया में घूमता था एंड इट वॉज क्वाइट फैसिनेटिंग फॉर हिम कि उसको ये जो दो बड़े बड़े पिलर जो है एक तोपरा मतलब हरियाणा वाला रीजन और एक मीरठ दैट इज़ मॉडर्न डे मेरठ वाला जो रीजन है दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं हंड्रेड किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट ही है तो उसने अपने मेमोरीज में अपने बायोग्राफीज में लिख के रखा है कि दिस ऑलवेज फैसिनेट मी कि इतने बड़े पिलर हैं इसमें एनशियंट लैंग्वेज है जो हम लोगों को पढ़नी भी नहीं आती है तो इसका मतलब क्या होगा तो वी डू नॉट नो वट इज द एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सो दैट्स मैंने ये दोनों पिलर अपने जगह से उठाए और इसको उठा के मैंने कहाँ पे ला के रखा है तो दिल्ली में पुराना किला जो है वहां पे ला के रखा है तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एज्ली टोपरा एंड पिलर बिकॉज ए फिरोज शाह तुगलक ने अपने ओरिजिनल जगह से दिल्ली में शिफ्ट करने का काम किया बिकॉज ही वॉज मेसमराइज विथ इट कि उसका एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए तो दिस आर बेसिकली द पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका ना पिलर में आपको एक और चीज थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा पता होना चाहिए तो अशोका का जो पिलर है वो हमेशा एक मोनोलिथिक पिलर होता है तो मोनोलिथिक पिलर मतलब एक ही पत्थर में से इन्होंने पूरा का पूरा परपत ये जो है वो तराश तराश के बनाया हुआ पिलर है ये पिलर का ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आप बोलोगे शाफ्ट और ये शाफ्ट है इसी के ऊपर ये जो सात डिफरेंट डिफरेंट लाइन है वो लिखी हुई रहती है फिर शाफ्ट के अगर आप ऊपर देखोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा एक इनवर्टेड बेल या फिर लोटस का एक मोटिफ मिलेगा फिर इसके ऊपर आपको एक एबेकस मिलेगा ये होता है आपका अबेकस एंड अबैकस के ऊपर आपको एक फिगर मिलेगा जिसको आप कैपिटल फिगर भी बोलोगे या फिर कैपिटल भी बोलोगे तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिलर ऑफ अशोका एंड इसमें एक लाइन आपको याद रखनी है कि ये जो अशोका का पिलर है ये अक्कामेनिड या फिर पर्शियन पिलर जो है अक्कामेनिड या फिर पर्शियन पिलर है इससे डिफरेंट है बिकॉज़ जो पर्शियन पिलर है ओके वो मोनोलिथिक नहीं होते थे ओके उनके में भी उनमें भी एक शाफ्ट था बट ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक रूप से पत्थर रख के अपना शाफ्ट बनाते थे शाफ्ट बनाने के बाद इनमें भी एक इनवर्टेड बेल शेप मोटिफ था बट वो नीचे होता था अशोका में बेलशेप मोटिफ हम लोगों को ऊपर मिला है गॉट इट तो ये जो दो बेसिक डिफरेंस है उतना याद रखो वैसे आएगा तो नहीं बट अगर आया तो आई होप इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल एंड आपको यहाँ पे दिखेगा ये पूरा का पूरा पिलर है अगर आपके पास ये है बेसिकली अगर स्लाइड है अगर आपने वो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड किया तो नीचे वाले साइड में यू कैन क्लियरली सी इंस्क्रिप्शन जो थोड़े से विजिबल है तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये दूसरा वाला पिलर है ऊपर वाला स्ट्रक्चर तो बर्बाद हो चुका है बट शाफ्ट है एंड नीचे के साइड में आपको थोड़े बहुत इंस्क्रिप्शन दिखेंगे तो ये सारे के सारे जो है लाइन नंबर लाइन नंबर टू से लेके लाइन नंबर सेवन मतलब मेजर पिलर एडिक्ट है है उसके लाइन एंड आफ्टर अल्टीमेटली जो कैपिटल फिगर होता था ऊपर तो एक जमाने में इसके नीचे ये बड़ा वाला शाफ्ट होगा फिर ये इन्वर्टेड बेल शेप मोटिव जो है या फिर जिसको इनवर्टेड लोटस बोलोगे वो भी ये होता है आपका अबैकस तो अबैकस मतलब बेस होगा एंड उसके ऊपर होगा ये कैपिटल फिगर तो ये टॉप वाला स्ट्रक्चर है बेसिकली अशोकन पिलर के इंस्क्रिप्शन अशोकन के पिलर का तो सिर्फ नाम याद रखना शाफ्ट शाफ्ट के बाद ये जो है शेप बेलशेप या फिर इन्वर्टेड लोटस दर आफ्टर एबेकस एबेकस के ऊपर कैपिटल फिगर और ये सारा पिलर जो है मोनोलिथ है अगर आपने यहाँ पे भी देखा तो इसको एक जमाने में ऊपर से इन्होंने तराशना चालू कर दिया होगा एंड दर आफ्टर ये स्ट्रक्चर जो है इन्होंने पूरा का पूरा डेवलप किया होगा दिस इज समथिंग रिलेटेड टू आफ्टर फिर लास्ट वाला टॉपिक जो है वो वाला देखेंगे we'll so, as मौर्य आर्ट एंड कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मौर्य आर्ट एंड कल्चर जो है उसको हमेशा से यही माना गया कि इट इज इंफ्लुंस बाय परसियन इम्पेरियल आर्ट तो मौर्यन के जितने भी आर्ट के सैंपल हम लोगों को मिले हैं वो बेसिकली कॉपी है पर्शिया के बट पर्शिया से हम लोगों ने ब्लाइंड कॉपी नहीं किया है

तो ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे जो वज्रासन है ये वज्रासन बनाने का काम जो है वो भी अशोका ने किया है तो ये जो वज्रासन है यहाँ पे गौतम बुद्धा वंस अपॉन अ टाइम माइट है ही उन लोगों को अल्टीमेटली जो कैवल्य है वो मिला होगा देर आफ्टर रॉक कट आर्किटेक्चर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज फार एज रॉक कट आर्किटेक्चर इज कंसर्न देन रॉक कट आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है बड़ा बड़ा जो पत्थर है उसको काट के आप कोई ना कोई तो आर्किटेक्चर बना रहे हो तो मौर्य के जो पिलर इंस्क्रिप्शन है मतलब पिलर जो है वो भी कट आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कट केव जो है वो भी हम लोगों को इंडिया में सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दी है तो बारा -बारा हिल के एंड नागार्जुनिया केव दोनों भी मॉडर्न डे पटना के अराउंड ही है और ये वाले केव है काफी सिग्निफिकेंट है बिकॉज़ ये बारा बारा केव जो वो अशोका ने बनाई थी एंड अशोका ने फिर इसको अजीविका को दे दिया एंड अशोका का जो बेटा है दैट इज दशरथ सन एंड सक्सेसर ऑफ अशोका उसने ये नागार्जुनिया केव बनाई आर्टिफिशियल ओके पहाड़ खोद खोद केव बनाई एंड इसने भी आजीविका को ये डोनेशन में दे दी तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ बिगिनिंग ऑफ द रॉक कट केव आर्किटेक्चर इन इंडिया लेटर काफी बड़ा बना आपने सुना भी होगा अजंता केव एल्लोरा केव बाघ केव बामियान केव तो जो केव आर्किटेक्चर है एंशियट इंडिया का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है एंड ये जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसकी जो शुरुआत है दैट वी कैन क्लियरली ट्रेस फ्रॉम दिस पीरियड ऑनवर्ड And thereafter, as far as culture, जो है, वो भी हम लोगों को इस पर्टिकुलर पीरियड से मिलना चालू हुआ मतलब मूर्तियां तो हिंदू के जो अभी के गॉड है जैसे शिव भगवान कृष्ण भगवान ये लोगों के बारे में इनको कोई आइडिया नहीं थी इन्होंने इनके बारे में लिखा भी नहीं दे यू ऑलवेज यूज टू टॉक अबाउट यक्ष एंड यक्षी तो यक्ष एंड यक्षी अर्लिएस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप तो इनके लिए ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप थे ये लोग भी मूर्ति पूजा करते थे तो ये कौन से मूर्तियों की पूजा करते थे <coughs> तो यक्ष एंड यक्ष की आज के जमाने में आपको ये इमेजेस कहां पे मिलेंगे तो कोई भी टेंपल जाइए टेंपल का जो आउटसाइड वॉल होता है उसमें आपको स्कल्पर या फिर मूर्तियां मिलेंगी दीवार पे जो उन्होंने स्कल्प आउट करके बनाई है तो वो यक्ष एंड यक्ष की इमेजेस है तो अर्लीस्ट टाइम पे ये जो इमेजेस है हम लोगों को मौर्य पीरियड से मिलना चालू हुआ है एंड आफ्टर फिर ये यू कैन क्लियरली सी ये धौली रॉक इंस्क्रिप्शन है बेसिकली इस साइड में ये आधा एलिफेंट है एंड इसके उस साइड पे जो है, ओके के जो जो है है ओके अशोका के इंस्क्रिप्शन वो इन्होंने निकाल के रखे हैं बट दिस इज आल्सो कैन बी कंसीडर्ड एज अ मार्वल बिकॉज उस टाइम से पत्थर में से तराश तराश के जो मूर्तियां बनानी है इट्स एन आर्ट इट इज क्वाइट फाइन आर्ट इवन टिल टूडे तो उस टाइम पे ये वाला जो आर्ट है ये इनके पास था अशोका का जो स्तूपा है दैट इज क्वाइट का जो बेस है वो अशोका ने हम लोगों को प्रोवाइड किया है तो अशोका का जो इज कंसिडर्डियन कंट्री तो अर्लिए मतलब अशोका के पहले से ही स्तूपा अवेलेबल है बट वो जो स्तूपा जो है वो स्टोन या फिर मड़ के बनाए हुए स्तूपा थे अशोका ने इसको एक फाइन आर्किटेक्चर दैट इज ब्रिक्स स्तूपा जो है उसमें कन्वर्ट किया एंड देर आफ्टर फिर पिलर हॉरत कुमराहारा जिसकी हम लोगों ने बात की है तो दिस विल बी द लास्ट वन ओके अल्टीमेटली स्तूपा आर्किटेक्चर ना एज फार एज स्तूपा आर्किटेक्चर इज कंसर्न देन इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे तो दिस इज बेसिकली द सांची स्तूपा जो अशोका ने बिल्ड किया है यू कैन क्लियरली सी ब्रिक आर्किटेक्चर बट अब ये मॉडर्न डे रिनोवेटेड वर्जन है इसको

रखा है बट यहाँ जो स्ट्रक्चर आप देखोगे सबसे पहले तो एक गेटवे है गेटवे को आप बोलोगे तोरना। अशोका के टाइम पे ये तोरना बना था बट तोरना में जो जता का स्टेल है मतलब जो स्कल्चर है ये स्कल्चर बेसिकली जता का टेल्स है ये जता का टेल्स लगाने का काम जो है वो पोस्ट मौरियन पीरियड में हुआ अशोका के टाइम पे कोई भी जता का स्टेल जो है वो तोरना पे नहीं लगाई थी तो एक तो बनाया था अशोका ने मतलब ये गेटवे बनाया था बट गेटवे के ऊपर ये जो स्कल्चर लगाने वाले जो काम है वो पोस्ट मौरियन पीरियड में किया था और इसका मेन जो पैट्रोनाइजेशन या फिर मेन जो क्रेडिट जाता है वो शुंगास को जाता है तो शुंगास माइट है जहाँ पे तोरना के ऊपर काव कर कर करके जता का स्टोरेज जो बनाने का काम किया था आप अंदर जाओगे तो अंदर जाने के और आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा सबसे पहले तो सीढ़ियों से आप जाओगे प्रदक्षिणा पथ तो ये जो साइड में दिख रहा है सीढ़ियों से आप जाओगे तो आप एक प्रदक्षिणा पथ पे जाओगे तो दिस इज बेसिकली द प्रदक्षिणा पथ यहाँ पे आपको दिखेगा कि गोल राउंड मारने के लिए एक जगह है तो ये प्रदक्षिणा पथ आपको मिलेगा और प्रदक्षिणा आप किसकी करोगे तो अंड की करोगे तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अंड अंड जो है वो काफी सिग्निफिकेंट है बिकॉज एक जमाने में ऐसा कंसिडर किया जाता है उनका जो केश है दैट इज बेसिकली बाल उनके कपड़े एंडर आफ्टर पार्ट ऑफ द स्किन ऐसे मिला के एक टोटल 80 डिफरेंट डिफरेंट पीसेस इन्होंने किए और इंडिया में वो 80 डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जाके उसको बरी किया गया

Under के ऊपर आपको मिलेगा हर्मिका एंड हर्मिका के ऊपर तो okay, उनके लिए भी स्तूपा बनाए जाने लग गए बट उनके जो बॉडी पार्ट उनको बरी नहीं किया जाता था उनके बॉडी पार्ट को हर्मिका के अंदर एक बक्सा रहता था उसके अंदर रखा जाता था और उसके ऊपर छत्र बनाया जाता था तो जो भावी कहेंगे जो अपने जो उपासक या फिर ले फॉलोअर आएंगे वो तोरणा से अंदर जाएंगे फिर यहाँ पे ऊपर प्रदक्षिणा पथ में क्या करेंगे तो प्रदक्षिणा पथ में अल्टीमेटली ये लगाएंगे is, लगाएंगे दैट दैट इज बेसिकली यू कैन सी चक्कर इसमें एक और एडिशन ऐसा था कि एक जमाने में शुंगा पीरियड जो है ओके तो शुंगा पीरियड एग्जैक्टली कौन सा किंग था हम लोगों को नहीं पता बट शुंगा पीरियड में ओके ये जो बाजू के ओके यू कैन कंसीडर जो रेलिंग है रेलिंग मतलब हाथ पकड़ने वाली जगह जब भी आप सीढ़िया चढ़ोगे तो एक रेलिंग आपको मिलेगा हाथ पकड़ने के लिए मिलेगा तो जो आउटसाइड रेलिंग जो है ये शुंगा पीरियड का एडिशन है और शुंगाज ने ये भी बता के रखा है कि ये आउटसाइड में रेलिक्स ही नहीं इन्होंने बनाए, तो रेलिक्स के ऊपर इन्होंने गोल्ड का ओके okay, रेलिक्वरी भी बनाया था रेलिक्वरी मतलब ओके okay, गोल्ड की जाली इसके ऊपर एक जमाने में लगी हुई थी अब बाद में उसका क्या हुआ हम लोगों को नहीं पता हम लोगों को तो नहीं मिली बट दिस इज इज समथिंग दैट रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर तो क्वाइट इसल एलिमेंट तोरना देर आफ्टर प्रदक्षिणा पथ अंड हर्मिका एंड छत्र तो ये जो बेसिक एलिमेंट ऑफ द स्तूपा जो है वो अशोका के टाइम पे डेवलप्ड होना चालू हुए चुंगजाज ने इसने एडिशन किया दैट इज बेसिकली द ये आप, आपके जो रेलिंग है रेलिंग उन्होंने ऐड किया आफ्टर जता का स्टोरीज है वो तोरना के ऊपर आउट करने का काम जो वो शुंगाज ने अल्टीमेटली किया तो दैट्स इट गाइज थोड़ा लंबा चरा लेक्चर बट इट वॉज इसल अल्टीमेटली सिग्निफिकेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर लाइज इन ऑल दिस एस्पेक्ट इट तो सबसे पहला पैन इंडियन एम्पायर था मौर्यन एम्पायर सबसे पहला एम्पायर था विच कैरिड आउट सोशल एक्सपेरिमेंट टू मेक पीपल लिव टुगेदर ऐसा ही एक सोशल एक्सपेरिमेंट अल्टीमेटली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ट्राई आउट किया जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हो राइट देर ऑफ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि इंडिया में जितना भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो डेवलपमेंट है उसका बेस रखने का काम भी इन्होंने किया इंडिया को प्रॉपर एक इम्पॉर्टेंट और प्रॉपर एक कोहरेंट इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर देने का जो काम है वो भी इन्होंने किया इन्होंने जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न बना के रखा था सेंटर दर आफ्टर प्रोविंस दर आफ्टर डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज

तो आई होप एवरी क्लियर मौरियंस को थोड़ा सा इलेबोरेटली मैंने कवरअप किया था बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ से यूजअली क्वेश्चन आते हैं अब बची हुई जो चीज़ें है वो मेरे जो पीवाई क्यू वाला जो लेक्चर है उसमें देख लोगे तो मौरियंस के जो पी वाई क्यू जो क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे ग्रुप पे वो वीडियो मैंने अपलोड करवा दिया है तो एक बार ग्रुप देख लेना एंड अल्टीमेटली बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन ओके तो सबसे पहले तो मार्कशीट अगेन है गिवेन इट तो थ्री प्लस वाला जो है ओके okay, हिस्ट्री ऑप्शनल में ओके दैट अगेन एंड अगेन आई एम शोइंग इट टू यू ओके बिकॉज पर्सनल मैसेज अभी भी बंद नहीं हुआ है बच्चे वीडियो क्यों नहीं देख रहे पता नहीं बट इन एनी केस ओके तो अगेन हिस्ट्री ऑप्शनल जो है आई एम अ फैकल्टी ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल गाइज ओवर ही तो वी हैड स्टार्टेड द फर्स्ट बैच ऑन 30th ऑफ सितंबर दिस विल बी द सेकंड बैच अब ये चालू हो चुका है बेसिकली ऑलरेडी टाइम इज रनिंग आउट इसके जो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हो उसके बारे में भी पहले बात कर चुका हूँ तो आज आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मच अबाउट इट तो इफ यू आर फ्रॉम द हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड दैन आई जस्ट गिव यू एन हम्बल ओपिनियन और सजेशन की जॉइन दिस बैच बिकॉज इट विल भी एट एन अफोर्डेबल रेट एंशियंट मीडिया मॉडर्न एंड वर्ल्ड एवरीथिंग विल भी कवर्ड इन हंड्रेड एंड लेक्चर्स एंड उस के अलावा ओके okay, जो तीन टाइप के जो नोट्स मिलेंगे पीपीटी क्रक्स मटेरियल एंड दर आफ्टर फिर आपका जो मेरा पी, ये जो है दैट इज हैंड रिटर्न नोट तो उसके भी जो बेनिफिट्स है मैंने आपको बता के रखे है आई एम गोइंग टू क्लोज द एडमिशन मोस्ट प्रॉब्ल ऑन मंडे ट्यूजडे समवेयर अराउंड दैट तो तीन चार दिन ही बचे बिकॉज उसके बाद में फिर एडमिशन लेना कोई सेंस भी नहीं बचेगा तो दिस विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज यूज द कोड एस एन लाइव नॉट ओनली फॉर दिस कोर्स बट फॉर एनी कोर्स दैट यू आर बाइंग फ्रॉम आवर साइड दैट इज स्टडी आई वाला साइट अल्टीमेटली जाते जाते वही हम ओके यू विल गेट द एक्सेस टू दिस पीपीटी एंडर आफ्टर द क्रक्स मटेरियल आई एम प्रोवाइडिंग टू यू एट दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियो ऑल्सो इफ यू लाइक द लेक्चर एंड इफ यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज ओके सो थैंक यू सो मच गाइज फ्रॉम माई साइड दैट विल बी इट अगर आपके अभी कोई डाउट बचे रहेंगे देन नाउ यू कैन लेट मी नो द डाउट ओके या ठीक है देखो जी एस वन का नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है ना मैंने आपको बताया था कि आपको दो टाइप के मटेरियल एम प्रोवाइडिंग ऑन दिस टेलीग्राम चैनल एक तो पीपीटी है ही प्लस एक सेवेंटी फोर पे का आपको एक क्रक्स मटेरियल भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अगर आपने वो मटेरियल देखा तो मैंने वो कीवर्ड एंड एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में ही मैक्सिमम पॉसिबल जगह पे आपको प्रोवाइड किया है तो 74 फोर पेजेस में आपका एंशियंट इंडिया कवर अप हो जाएगा वही मटेरियल यूज कर लेना उसमें आपको कीवर्ड भी मिलेंगे ओके okay, आफ्टर उसमें आपको एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल भी मिलेगा ये वाला जो स्लाइड है ये काफी बड़ा है बिकॉज वो जो आपको क्रक्स मटेरियल जो मैं एनसीईआरटी का प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट इज स्ट्रिक्टली अधरिंग टू दी एनसीईआरटी टी तो एनसीईआरटी में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है आपको तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़ेगा सो दैट्स आई एम एक्सटेंड इन दिस लेक्चर ताकि एक होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए और फिर बाकी कुछ करने की आपको जरूरत ना पड़े गोटेड तो एक बार वो क्रक्स मटेरियल देख लेना टेलीग्राम चैनल पर अपडेट हो जाता है लेक्चर के पहले ही करवा देता हूँ मैं तो उसमें जो जी रिलेटेड आपको की वर्ड एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन चाहिए वो वहाँ से आपको मिल जाएगा ओके okay? यस yes.

ये इनाम भी रखा था बट ये जो इन्फॉर्मेशन है हिस्टोरियन बैनला जिसको सही नहीं मानते ओके यू नीड टू अंडरस्टैंड इट ये जो इन्फॉर्मेशन है हम लोगों को तारनाथ के अकाउंट से मिली है तारनाथ ये बुद्धिस्ट मॉन्क है एंड ही बिलोंग टू द दर्टीन सेंचुरी ईडी तिब्बेटियन बुद्धिस्ट मॉन्क है हजार साल बाद उसने ये इंफॉर्मेशन हमें लिख के दिया कि भाई ये जो पुष्यमित्र शुंगा है उसने बुद्धिज्म का परसिक्यूशन किया बट ये सोचने की बात है अगर राजा किसी रिलीजन का परसिक्यूशन करने पे उतर आए तो वो रिलीजन बचता ही नहीं

इन द पोस्ट मोरियन लेक्चर जो बेसिकली कल से चालू होगा तो दैट इज फॉर दैट लेक्चर बट एक हाथ दूसरा जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको बाय लाज गलत कंसिडर करोगे बिकॉज पुष्यमित्र शुंगा है इवन दो रिलीजन और इवन दो वॉज द पर्सन हु कैरिड आउट अश्वमिधा एंडर राजसू याक्रीफाइस उसने एस सच बुद्धिज्म को प्रोसिक्यूट नहीं किया और वो क्यों नहीं किया बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकल रीजन एंड कंटेम्प्री आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हम लोगों को वही बता रहे हुआ और हुआ भी होगा तो बहुत ही लो लेवल पे या फिर एकदम छोटे स्केल पे किया था इन्होंने कोई लार्ज लेवल पे नहीं किया था ओके या ओके सो ठीक है चलो थैंक यू सो मच गाइज टिल हियर सो फार अगर और भी कोई डाउट रहेगा तो कैन लेट मी नो ठीक है देखो पर्शियन ने कॉपी किया हो ऐसे नहीं हो सकता बिकॉज उनके जो आर्किटेक्चर है वो पुराने हैं एज कंपेयर टू द मौर्यन आर्किटेक्चर तो जब मैं पर्शियन आर्किटेक्चर की बात करूं तो आपको ये समझना चाहिए पर्शिया का सत्यानाश हो चुका था अलेक्डर द ग्रेट जब आया तब परसिया लॉस्ट एवरी थिंग विदिजन ऑफ द एलेक्डर द ग्रेट ये तो हमने देख ही लिया राइट अलेक्सेंडर द ग्रेट आया ही क्यों था इंडिया के पास पर्शिया को हराने के लिए एंड ही सक्सेसफुली डिफीटेड तो जब मौरियंस यहाँ पे शुरू हुए तब तक पर्शियंस खत्म हो चुके थे तो पर्शियन कैसे कॉपी करेंगे मौरियंस को राइट तो पर्शियन आर्किटेक्चर इज ओल्डर वन एज कम्पेयर टू द मौरियन आर्किटेक्चर तो थोड़ा सा टाइमलाइन आपको समझना पड़ेगा टू कोरोबोरेट द थिंग्स ओके ओके okay. अब मैंने आपको समझा दिया इमेज पे ही समझा दिया था अब का मतलब क्या होता है ठीक है ओके ठीक है इतना याद कैसे रहे देखो सेना भक्तम मैंने पहले ही बता के रखा है कि सेना भक्तम जो उसका क्या मतलब होता है ठीक है एंडर आफ्टर इतना सारा याद कैसे रखेंगे एक ही मेरे पास आपके लिए जवाब है जब जैसे क्वालिटी लक्ष्मीकांत आप चार चार या पांच पांच बार पढ़ सकते हो तो वैसे ही थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके ये भी चार पांच बार पढ़ो चीजें अपने आप याद रहेगी राइट सो मैगजिम पॉसिबल रिविजन इज दी ओनली की आउट ओवर हीयर ठीक है तो आपको वो रिविजन करते रहना पड़ेगा तभी जाके यार चीज़ें याद रहेंगी थोड़ा सा इंटरेस्ट लो इन चीजों में प्रोसेस समझो अगर डायरेक्ट फैक्चुअल डाटा रतने बैठोगे तो गड़बड़ होने वाली है सो दैट्स आई एम ऑलवेज अप अपॉन द प्रोसेस कि पहले आपको प्रोसेस समझनी है जैसे ही आपको प्रोसेस समझ में आ गई तो ये इकोनॉमी पॉलिटी सोसाइटी एंड कल्चर की डेवलपमेंट एक्जैक्टली क्यों हुई ये भी आपको समझ में आ जाएगा ठीक है या yeah. ठीक है सो so, सेना भक्त में यार मैंने पहले ही एक्सप्लेन करके रखा है कि वापस से मुझे वही वही बुलवा रहे हो राइट प्रीवियस लेक्चर देख लो ना यार एक बार जाके आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू जो मैंने पहले वाले लेक्चर में कवर किया आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट अगेन तो वॉच माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन इट एंड अगर नहीं समझा देन आस्क मी अगेन ठीक है चलो गाइज ओके सो आई होप दैट विल बी इट देन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विल मीट अगेन टुमोरो सेवन ओ क्लॉक ओके एंड विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक ओके ठीक है चलो थैंक यू सो मच गाइज आई विल बी स्टॉपिंग द लेक्चर नाउ ना nah, ना nah, बिल्कुल नहीं हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए तो डेफिनेटली बस नहीं रहेगा ओके okay, क्या बोल रहे हो अगर एंशियट इंडिया से आरिय शर्मा से कवर होता है हिस्ट्री ऑप्शनल में तो और क्या ही चाहिए था राइट right? बिल्कुल भी इनफ नहीं है यू कैन कंसिडर फाइव परसेंट पोर्शन भी आपका आर शर्मा से कवर नहीं होगा एज फार एज ऑप्शनल इज कंसर्न ऑप्शनल काफी बड़ी चीज होती है राइट right? तो आपको उस हिसाब से पढ़ना भी पड़ेगा चलो इन एनी केस थैंक यू सो मच गाइज आई एल बी स्टॉपिंग द लेक्चर ना ओके थैंक यू सो मच विल मीट अगेन टू